ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज मुझे कमेंट्स में कंफर्म कीजिए एवरीबॉडी। ओके, लास्ट क्वेश्चन अगर मैंने किसी को भेजा, लास्ट क्वेश्चन किसी ने अगर लिखा है, मैंने वो लिखा नहीं है, मैं वीडियो तो देख नहीं पाऊंगा, तो अगर लास्ट क्वेश्चन किसी ने देखा है वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एक बार मैसेज करे उस क्वेश्चन का फोटो लेके। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर उस क्वेश्चन का फोटो लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, तो क्वेश्चन मुझे दिख के मैं उसके हिसाब से आंसर दे पाऊंगा, जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था शमशान लिमिटेड वाला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर कोई है इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा है CA दर्शन खरे, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। हाय दीपाली, हाय आशीष, हाय मुक्ता, तुषार, तो क्वेश्चन मेरे सामने आ जाएगा। कोई कर रहा है तो कमेंट्स में भी डालना कि उसने मैसेज कर दिया है करके, फोटो निकाल के फटाफट, तो मैं उस क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर भी दे पाऊंगा। अदर मैं क्वेश्चन आधा तो आई गेस भूल गया होगा, कल का भी 2 दिन का गैप हो गया नियरली। किसने किया है मैसेज क्वेश्चन? लेट मी चेक। लॉ के टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपके पास आएंगे 1, 2, 3। तीन बुक तो फिक्स है फिलहाल, दैट इज कंपनी लॉ मॉड्यूल, अदर लॉ मॉड्यूल और उसका क्वेश्चनेयर। ये तीन बुक्स आपके पास आने चाहिए। गुड मॉर्निंग, किसने किया है मुझे मैसेज इंस्टा पे, क्वेश्चन क्या है? कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा जिंदगी में, ऐसे ऐसा कौन करता है लाइफ में? हाँ, क्वेश्चन कहां से ढूंढूं मेरे को, क्या वापस वीडियो देखना पड़ेगा? ओके, थैंक यू सो मच राधिका बेटा। गॉट इट, थैंक यू सो मच राधिका। चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे। जिस समय को इंस्टा पे सवाल भेजा है, दैट इज राधिका सिंगल, आई गेस को क्या नाम है। ओके, राधिका सिंगल, थैंक यू सो मच बेटा। सो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं यहाँ पे सलमान लिमिटेड वाला, हाँ शमशान लिमिटेड वाला ही, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद में आज हम उसका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, फिर उसके बाद में हम रिविजन वगैरह देखेंगे, ठीक है? सो क्वेश्चन ये था, शमशान लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग टू मेन मेंबर्स, दैट इज एंड अदर आर माइनॉरिटी मेंबर्स। उसके अंदर जो दो मेन मेंबर है, एक है मिस्टर भूत और एक है मिस्टर मुर्दा। एंड ऐसे सिचुएशन में उसमें से मिस्टर भूत इज अ क्रेडिटर एंड मिस्टर मुर्दा इज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बराबर है सब जनों को? हाँ ना। मिस्टर भूत इज ऑल्सो अ डेट होल्डर ऑफ द कंपनी टू द अमाउंट ऑफ रुपीज, मैंने कितना करोड़ बोला था, 10 करोड़ आई गेस मैंने बोला था। फॉर मिस्टर मुर्दा हैविंग अ कंपेंसेशन एग्रीमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट टू द ट्यून ऑफ ₹3 करोड़। 10 करोड़ का डेट है मिस्टर भूत का, 3 करोड़ का कंपेंसेशन एग्रीमेंट है मिस्टर मुर्दा का फॉर परमानेंट डैमेज। कंपनी हैव टू मोर क्रिएटर्स, दैट इज मिस डायन एंड मिसेस चुड़ैल, टू द ट्यून ऑफ 8 करोड़ एंड 15 करोड़। चलो कोई बात नहीं। मिस्टर मुर्दा मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड एज ही इज अ की एम्प्लॉय, कंपनी वेंट इन टू लिक्विडेशन एंड रियलाइज द असेट टू द ट्यून ऑफ 15 करोड़ रुपीज। चलो बहुत बढ़िया। मिस्टर राक्षस, अ क्वालिफाइड लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, और आपको उसको कैलकुलेशन बोलने हैं कि किस तरीके से लिक्विडेशन का पैसा इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, इसको मैं शुरू कर रहा हूं। आंसर लिखना शुरू करें बच्चों, आ जाइए फटाफट। पहले तो मैं फैक्ट्स कुछ लिख लेता हूं, सो दैट मुझे क्वेश्चन को बार बार पढ़ना ना पड़े। नॉर्मली आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो बच्चों, नॉर्मली आप क्वेश्चन पढ़ते हो उस वक्त, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही पेपर के ऊपर, क्वेश्चन पेपर में साइड में फैक्ट लिख के रखो फटाफट फटाफट, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है? सो सबसे पहले मैं फैक्ट लिख के रखूंगा कि भैया कंपनी का नाम है शमशान लिमिटेड, ठीक है, जिसके अंदर दो की मेंबर्स है, मिस्टर भूत मिस्टर मुर्दा। ये आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में ही साइड में लिख के रखो, तो आपको बार बार पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर भूत इज अ डेट होल्डर
जिसका डेट था ₹10 करोड़ का। मिस्टर मुर्दा इज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जिसका कंपेंसेशन एग्रीमेंट था ₹3 करोड़ का। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इन एडिशन टू दिस कंपनी हैव मिस डायन एज अ डेट होल्डर जिसका डेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 करोड़ है। एंड मिस चुड़ैल मिसेस चुड़ैल जिसका डेट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 करोड़। राइट, एक बार वापस से देख लूं मैं, 8 करोड़ और 15 करोड़ ही है क्या? 8 करोड़ एंड 15 करोड़। चलो बहुत बढ़िया। अब पूछा गया है कि मिस्टर मुर्दा अगर परमानेंटली डैमेज हो गया और कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो इनके साथ क्या होगा? होल्ड 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 होल्ड। ओके, तो इनके साथ क्या होगा, ये सवाल का जवाब पूछा है। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी ये चीज पता है। ओके, तो अब आपको ऑलरेडी ये चीज पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने किस तरीके से लिखना चाहिए। प्रोविजन आपकी जैसे थे सेम आएगी, सेम टू सेम आपके बच्चों प्रोविजन आएगी। जो आपकी प्रोविजन आ रही थी, कहां पे आपकी प्रोविजन आ रही थी, जो आपकी प्रोविजन आ रही थी इन द केस ऑफ हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट इज एश लिमिटेड वाला। एश लिमिटेड वाला जैसा प्रोविजन था वैसा का वैसा यहां पे सेम प्रोविजन आएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप प्रोविजन जैसा का वैसा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, उसके अंदर किसी ने कोई क्रिएटिव चीज की होगी तो कमेंट करके मुझे बोलिएगा कि आपने ये किया है, देन मैं आई विल कंफर्म इट की कमेंट करके कि हाँ ये चीज आपने करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट। अब मैं इसके अंदर जो मैटर हो रहा है वो मैं यहां पे ड्राफ्ट करके आपको दिखाऊंगा, दैट इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप क्या लिखोगे, अंडरलाइन कोलन करना मत भूलिएगा। ठीक है, अच्छा, और कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन आंसर्स के फोटो भेजे हैं, वो जो नॉर्मल कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं वो भी मैं आपको यहां पे समझाऊंगा आज। ठीक है, तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है इन द गिवन केस द लिक्विडेशन कैलक्युलेशन एज फॉलोज। और मैंने परसों के दिन आपको सजेस्ट किया था कि इसको अगर आप कॉलम फॉर्म में लोगे और प्रॉपरली लिखोगे तो हो सकता है आपको पूरे अच्छे मार्क्स मिले और लिक्विडेशन का कैलकुलेशन भी बड़े अच्छे से समझ में आ पाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, असेट्स कितना रियलाइज हुआ था, कमेंट में एक बार बताइए असेट्स कितना रियलाइज हुआ था, नहीं तो इसके लिए मुझे वापस से एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सो जस्ट टेल मी असेट्स कितना रियलाइज हुआ था। ठीक है, फिर मैं यहां कॉलम बना लेता हूं अमाउंट। ओके, असेट्स रियलाइज टू द ट्यून ऑफ 15 करोड़। और मिस चुड़ैल के डेट भी 15 करोड़ के ही थे क्या? मतलब मिस चुड़ैल के भी डेट 15 करोड़ के ही है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीबडी। मिस चुड़ैल के भी डेट 15 करोड़ के ही है, ये सुनो। ओके, सो यहां पे मैंने अमाउंट वाला कॉलम बना दिया। मिस चुड़ैल के डेट्स भी 15 करोड़ के है क्या, एक बार प्लीज कंफर्म कीजिएगा यस और नो करके। ओके, चलो बहुत बढ़िया। सो यहां पे अमाउंट और यहां पे मैं लिखूंगा पर्टिकुलर। ठीक है, सो हाउ आई विल गो फॉर लिक्विडेशन प्रोसेस। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू, आई विल राइट असेट्स रियलाइज्ड। असेट्स रियलाइज में लिखूंगा, इसको मैं मार्क करूंगा पॉइंट नंबर ए। नॉर्मली आप जब कैलकुलेशन करते हो और टेबल वगैरह देते हो, थैंक यू सो मच गाइस, तो आपने पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी ऐसा लिखना चाहिए, बाद में इन पॉइंट्स का आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना, पॉइंट ए पॉइंट बी इस तरीके से आपने लिखना चाहिए। रेडी, लेट्स गो। फिर असेट्स रियलाइज मैं यहां पे ऑलरेडी लिख के रख रहा हूं 15 करोड़। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर बी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास डेट होल्डर्स कौन कौन है। सो डेट होल्डर्स, उसके अंदर सबसे पहले सब पॉइंट ए स्मॉल पॉइंट ए मैं करूंगा, दैट इज मिस्टर भूत हु इज आल्सो मेंबर ऑफ कंपनी, हु इज आल्सो मेंबर बट सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर हम इसको एज अ सेपरेट डेट होल्डर करके कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए हम सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी वाला केस रेफर करेंगे। ठीक है, सो कैन बी कंसिडर्ड एज क्रेडिटर। ठीक है, मैं कॉलन को थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड कर लूं,
कैन बी कंसिडर्ड एज क्रिएटर. तो मिस्टर भूतवाला, यहां पे डेट जो हम लिखने वाले हैं, डेट दैट इज 10 करोड़ का, मिस्टर भूत का डेट है 10 करोड़ का. क्लियर है कंसेप्ट? उसके बाद में पॉइंट नंबर बी के अंदर मैं जाऊंगा, उसके अंदर मैं पॉइंट बी में लिखना चाहूंगा, दूसरा जो डेट होल्डर है दैट इज मिस डायन. ठीक है, और मिस डायन का अगर आप डेट देखोगे तो है 8 करोड़ का, और सी मिस चुड़ैल, जिसका डेट है 15 करोड़ का. क्लियर है? ये प्योर क्रिएटर है, तो इनके सामने मैं प्योर क्रिएटर का मार्किंग करके रखूंगा ब्रैकेट में, प्योर क्रिएटर. ठीक है, ये हो गए डेट होल्डर्स. अब इनका टोटल डेट मेरे को नेक्स्ट कॉलम के अंदर पुट करना पड़ेगा, ये सब कॉलम था तो मैं नेक्स्ट कॉलम के अंदर इनका प्योर डेट पुट करूंगा. जैसे 18 करोड़ प्लस 15 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 33 करोड़ का यहां पे टोटल डेट है, 33 CR का यहां पे हम टोटल डेट कंसिडर करके चल रहे हैं. क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर पॉइंट नंबर सी में भी एक और चीज आएगी, एनी अदर डेट और कंपेंसेशन, बिकॉज मिस्टर मुर्दा भी तो कंपनी का एम्प्लॉय था, और अगर मिस्टर मुर्दा कंपनी का एम्प्लॉय है तो उस केस में उसको डेट और कंपेंसेशन यहां पे मिलना चाहिए. तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा मिस्टर मुर्दा का डेट और कंपेंसेशन हम यहां पे कंसिडर करने वाले हैं, और मिस्टर मुर्दा का जो डेट और कंपेंसेशन यहां पे है वो है 3 करोड़ का, क्योंकि जब हमको मिस्टर मुर्दा को कंपेंसेशन पे करना है तो उसको डेट ही माना जाता है, ये कंपेंसेशन को डेट ही माना जाएगा बिकॉज एज पर एग्रीमेंट. और फिर ये 3 करोड़ सब कॉलम से लेके मैं आगे ट्रांसफर कर दूंगा, दैट इज 3 करोड़. अब मैं यहां पर आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा और लिखूंगा टोटल डेट. सो टोटल एसेट डिस्ट्रीब्यूशन टोटल एसेट डिस्ट्रीब्यूशन टू. ठीक है, सो पॉइंट नंबर ए, मिस्टर भूत को टोटल एसेट डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तो मैं यहां पे कैलकुलेशन भी देने की कोशिश करूंगा, दैट इज 15 करोर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 करोर्स डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ डेट. तो 33 प्लस 3 36 करोड़ का टोटल डेट था. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये मिस्टर भूत का. फिर उसके बाद में मिस डायन का, दैट इज मिस डायन का था 8 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 15 करोड़ टोटल असेट्स मल्टीप्लाइड बाय 8 करोड़ डिवाइडेड बाय 36 करोड़. उसके बाद में पॉइंट नंबर सी मिस चुड़ैल का, मिसेस चुड़ैल का जो भी होगा, मिस मिसेस 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 36. और सबसे आखिरी में आपका आएगा दैट इज डी, और वो है किसका, मिस्टर मुर्दा, क्योंकि मिस्टर मुर्दा भी तो डेट होल्डर हो चुका है अभी कंपेंसेशन की वजह से. तो उसका कितना, 15 करोड़ असेट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 36 करोड़. तो मुझे एक बार फटाफट ये फिगर बताइए क्या आ रहे हैं कमेंट्स के अंदर, फटाफट. और जो सही कैलकुलेट कर रहा है वही बताना जिंदगी के अंदर, ठीक है? गलत सलत जवाब मत देना, नाम लिख के बताइएगा भूत का कितना, डायन का कितना, चुड़ैल का कितना, मुर्दा का कितना, यह कैलकुलेशन आप ही को करना है. ठीक है, मुझे फटाफट बताइए किसको कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए, टोटल असेट्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए. और ये 36 करोड़ कहां से आया, तो यहां ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं B प्लस सी. ठीक है, 36 करोड़ के लिए आप B प्लस सी लिख सकते हो, ऊपर अपने B और C को टोटल किया है. कैलकुलेशन कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं ही पढ़ाई जा रहा हूं जिंदगी के अंदर और मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है यहां पर? हाय, मेरे को कमेंट्स दिख नहीं रहे या क्या चल क्या रहा है लाइफ में? ओके, सो मुझे फटाफट बताइए मिस्टर भूत का कितना, मिस डायन का कितना, मिस चुड़ैल का कितना और मिस्टर मुर्दा का कितना. ये कैलकुलेशन मेरे को ही करने पड़ेंगे, अब कैलकुलेटर प्लीज लेने मत लगाओ. मिस्टर भूत का बोल रहे हैं 4.16, डायन का 3.33, चुड़ैल का 6.25 बोल रहे हैं एंड मुर्दा का 1.25. कोई और इसको कंफर्म कीजिए. चलो बहुत बढ़िया, शानदार. सो भूत का आ रहा है 4.16 करोड़, डायन का आ रहा है 3.33 करोड़, चुड़ैल का आ रहा है 6.25 करोड़, मुर्दा का है 1.25 करोड़. ऑब्वियसली टोटल असेट्स पेड आपके 15 करोड़ के ही आएंगे. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इस हिसाब से आपको लिक्विडेशन करना पड़ेगा. इसके नीचे
आपको नोट डालनी पड़ेगी। अगर आप नोट डालना चाहते हो तो इसके नीचे आप ऐसे स्टार मार्क करके या आप ऐसे हैशटैग करके भी नोट डाल सकते हो। जैसे मैं यहां पे स्टार मार्क और हैशटैग कर रहा हूं, एक हैशटैग मैंने मारा है और एक स्टार मार्क मैंने मारा है, तो मैं इसके नीचे, यहां मेरा टेबल फिनिश हो गया, इसके नीचे में मैं हैशटैग का मीनिंग लिखूंगा, या आप एग्जाम में भी कर सकते हो। दैट इज मिस्टर भूत इवन दो मेंबर ऑफ कंपनी ही इज ऑल्सो डेट होल्डर इन वैलिड टर्म्स, क्योंकि इन दोनों के बारे में ही दिक्कत था ना, सेपरेट लीगल एंटिटी इन दोनों का ही दिक्कत था। और दूसरा, मैंने जो स्टार मार्क किया है ऊपर, उसका मैं मीनिंग लिख लूं, मिस्टर मुर्दा इवन मेंबर ऑफ कंपनी इवन दो मेंबर ऑफ कंपनी ही इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर कंपेंसेशन, फुल स्टॉप। ये मैंने लिख के रख दिया। अब नीचे आप यहां से आंसर कैरी कर सकते हो, केस लॉज, केस लॉज का अंडरलाइन कोलन, वही दो केस लॉज कोट करने हैं, सिंगल लाइन डिसीजन के अंदर आपको कोट करने हैं, और फिर उसके अंदर आंसर में आंसर आपको टू द पॉइंट लिखना है। यहां पे दैट इज मिस्टर राक्षस इज एडवाइज टू डिस्ट्रीब्यूट द असेट्स इन अबव सेंस, इन अबव सेंस, क्योंकि आप ये वापस से पूरा आंसर में तो नहीं लिखोगे, तो देना मिस्टर राक्षस कैन डिस्ट्रीब्यूट द असेट्स एज गिवन इन द कैलकुलेशन अबव इन द टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्लियर है कंसेप्ट? ही इज एडवाइज टू कंसिडर मिस्टर भूत एज अ वैलिड डेट होल्डर एंड मिस्टर मुर्दा एज अ वैलिड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंपेंसेशन। ये आंसर आपका आना चाहिए। मुझे बताइए आंसर आपको कैसा लगा, और ये भी जरूर लिख लीजिए, आई गेस एक्सप्लेनेशन आप में से किसी ने ऐसा प्रेजेंट किया है क्या, प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा किसी ने ऐसा एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट किया है क्या, और नहीं किया तो गलतियां हुई है नहीं हुई, और गलती हुई है तो एक्सेप्ट भी कीजिए, कमेंट्स में एक्सेप्ट कीजिए बाकायदा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हो और रियलाइजेशन है कहां कहां गलती कर रहे हो। अब देखो, मैंने एक्सप्लेनेशन को इस बार पूरा चेंज ही कर दिया, मैंने एक्सप्लेनेशन को पूरा ब्रैकेट में ले लिया। मैं क्यों डबल डबल लिखूं ना, कि पहले थ्योरी लिखूं फिर कैलकुलेशन दो, उससे अच्छा मैंने एक टेबल ही बना लिया, कैलकुलेशन मेरा इजी हो गया, और उसी के अंदर मैंने नीचे सब दो रीजनिंग दे दिया, फिर केस लॉ सेम, आंसर इज द सेम। इससे मेरा आंसर का लेंथ भी अच्छा खासा हो गया और वैल्यूअर को यह देखने के लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे एक बार जरूर बताइए कैसा लगा ये, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने सही किया है तो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर आपने ऐसा ही आंसर लिखा है तो बहुत ही बढ़िया, आपको इसके ऊपर पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है। क्लियर है आंसर? तो एक्सप्लेनेशन किसी को चाहिए तो लिख लीजिए फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। गलती हुई कोई दिक्कत नहीं, गलती समझ में आना बहुत जरूरी है और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अनुजा, ये ही प्रैक्टिस हमको करनी है बेटा, कि समझ में आने के बाद भी आपको करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी गलती आपको समझ में आ रही है बेटा, आई एम वेरी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं चीजों से हमको सीखना है। प्रेजेंटेशन आपको नॉर्मली जहां पे भी कैलकुलेशन आए, टेक माय टिप, इसको आप लिखते रहिए, पर टेक माय टिप, जहां पे भी कैलकुलेशन लॉ के पेपर में इन्वॉल्व हो, सीधा दो कॉलम बनाना और स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन करना, ये करना, ये इजी होता है वैल्यूअर को भी चेक करने के लिए और खुद को भी चेक रखने के लिए। ठीक है, इस कैलकुलेशन में नॉर्मली कहीं गलती की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना, आप लिखते रहिए। हैप्पी लोरी बेटा नितिन गर्ग, हैप्पी लोरी सबको, लोरी के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका नया साल बहुत अच्छे से जाए और इस साल जितने भी एग्जाम दो उन सबके रिजल्ट पॉजिटिव आए, ये मेरी दुआ है। विजय सर को कांटेक्ट उनके क्वेरी नंबर के ऊपर आप कर सकते हो, वी स्मार्ट के वेबसाइट के ऊपर दिया है दुर्गा बेटा। उत्तरायण तो पूरे देश में है दीपेश बेटा, उत्तरायण ये शुरू होता है साल के पहले 6 महीने जो होते हैं, नियरली आप कंसीडर कर लो 3, 4, 5 जनवरी से लेके जुलाई 2, 4 तारीख तक के, दिस इज उत्तरायण पीरियड। व्हाट इज उत्तरायण? उत्तरायण इज कंसीडर्ड एज वेरी ऑस्पिशियस एंड ग्रेसफुल पीरियड, जिसमें सन उगता पूरब से ही है पर वो थोड़ा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टिल्टेड रहता है। आप कभी देखना
कि जनवरी से जून में सन ये उगेगा पूरब से ही, हमेशा पूरब से ही उगता है, बट ये नॉर्थ डायरेक्शन में टिल्टेड रहता है, दक्षिणायन में ये साउथ डायरेक्शन में टिल्टेड रहता है आफ्टर जुलाई। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अनिश का हमें समझ में आया, यही बहुत अच्छा है, आप एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। नहीं बेटा, कल ही हॉलीडे हो गया दीपेश, अब नहीं होगा। अब समझ में आया कैसे करना है? इस एक्सप्लेनेशन को देवेश आंसर के पॉइंट में मत लिखना, क्योंकि आंसर उन्होंने पूछा है व्हाट इज सजेस्टेड, तो आप ये सजेस्ट करना कि ऊपर की मेथड फॉलो करके आप लिख सकते हो, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन में ही प्रेजेंट करना जरूरी है, इट इज रादर प्रॉपर। डिक्टेट कैसे करूं मैं, मुझे एक बात बताओ, एक्सप्लेनेशन डिक्टेट कैसे करूं जिंदगी में? ये पूरा कैलकुलेशन वाला टेबल है, आपको देख के ही लिखना पड़ेगा। मैंने सिंपल एक्सप्लेनेशन में क्या किया है, मैंने असेट लिख दिए, मैंने सब डेट होल्डर्स को जमा कर दिया, मैंने कंपेंसेशन को जमा कर दिया, इन दोनों को मिलकर मैंने प्रपोर्शनेटली 15 करोड़ के असेट सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, चारों के बीच में। बस मैंने इतना ही किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, एकदम सिंपल चीज की है मैंने। रिजल्ट आना चाहिए फ़रवरी फर्स्ट वीक में, ऐसा मुझे लगता है। इंस्टीट्यूट तो पहले अभी एग्जाम की तैयारी कर रही होगी ना, तो एग्जाम खत्म होते आते ही इंस्टीट्यूट रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। दो दिन में दो क्वेश्चन लिख दिए, दोनों में वाट लग गई क्या सबकी? इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी होता है बेटा, समझ में आया? पूरा सीए इंटर बच्चे पढ़ लेते हैं, पढ़ तो अच्छे से लेते हैं, कोर्स खत्म करने को कोई समय नहीं लगता। हम सीए इंटर पूरा एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं रिवाइज करने के हिसाब से, और पूरा सीए इंटर के लिए आप जितने लेक्चर्स दो उतने कम है, पर इसमें से बैलेंस अमाउंट ऑफ लेक्चर्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए और जिसमें आपका अच्छे से वर्किंग भी हो जाए और पढ़ना भी हो जाए। ऑलरेडी तुषार मैंने डिक्टेट कर दिया है थोड़ी देर पहले, रिवाइंड करके देखिए। थैंक यू सो मच सिया बेटा। हाँ सेम फॉर्मेट, आप जो मेरा फॉर्मेट जो है आंसर राइटिंग का, वो सेम आप यूज कर सकते हो अदर सब्जेक्ट्स में भी, अगर आपको सही लगता है तो। सिर्फ उन टीचर्स से कंसल्ट करके पूछना एक बार, बाकी और कुछ नहीं। चलो लिख लिया सबने, आई होप सो कि सबने इसको प्रॉपरली लिखा होगा और समझ में भी आया होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, आई होप सो कि आपको आइडिया क्लियर होगी कि हमें करना क्या है। ठीक है चलो, अब आगे बढ़े बच्चों, आर यू रेडी? आर यू रेडी? बुक शिपमेंट शुरू हो चुका है बेटा दीपेश, अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन और अपडेशन की वजह से पेंडिंग था, पर जब तक आपका लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगा, अभी और 4-5 लेक्चर्स तो आपको बुक्स की जरूरत है नहीं। ठीक है, जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगा उस दिन तक के आपके हाथ में बुक्स आ जाएगी, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखिए 10-11 वाला लेक्चर आज हम कर रहे हैं और हमको जरूरत ही नहीं पड़ रही है बुक्स की, हम वैसे ही चल रहे हैं जिंदगी में, तो चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी हिसाब से लेक्चर ड्राफ्ट किया है कि स्टार्टिंग में आपको बुक्स की इतनी जरूरत ना पड़े, तो आपके पास शिपमेंट सही समय पर पहुंच जाए। चलो, यहां आज हमने सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट खत्म कर दिया है। एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं चैप्टर्स का, चैप्टर्स के रिवीजन को अभी हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बिकॉज सेक्शंस के रिवीजन आज से या कल से बढ़ जाएंगे, तो एक बार चैप्टर्स को हम स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना बड़े अच्छे से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। चैप्टर्स के अंदर सबसे पहली बात, आज थोड़ा लाइन से लेते हैं, सबसे पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, कहां से कहां तक है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 2। दूसरा है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, दैट इज सेक्शन नंबर 3 से लेकर 22। उसके बाद में तीसरा है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, सेक्शन नंबर 23 से लेकर 42। उसके बाद में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, सेक्शन नंबर 43 से लेकर सेक्शन 72। उसके बाद में डिपॉजिट्स, सेक्शन 73 से लेकर 76। उसके बाद में चार्जेस ऑन असेट, सेक्शन 77 से लेकर 87। उसके बाद में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 88 से लेके 122। उसके बाद में डिविडेंड,
123 से लेके 127, उसके बाद में अकाउंट्स 128 से लेके 138, और फिर ऑडिट 139 से लेके 148। इतने चैप्टर्स हमें याद रखने चाहिए। कौन कौन से सेक्शन हमारे हो चुके हैं? 2 सबसेक्शन 20 कंपनी का, प्रीवियस कंपनी लॉ का 267, और कंपनी के डेफिनेशन सॉरी फ्रॉड का सेक्शन 447 फॉर फ्रॉड, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी वाला सेक्शन नंबर 9। अब आज के लेक्चर में तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी नियरली खत्म हो जाएंगे, कल के लेक्चर से और इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन बढ़ेंगे, तो आपको उसके लिए अच्छे से याद रखना है। जितने भी लोगों ने इसके अंदर कमेंट किया है क्या क्या सेक्शन है, थैंक यू सो मच गाइस। चलो शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना डबल ट्रिपल, तो मुझे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। रेडी, लेट्स गो। हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी कंप्लीट कर दिए हैं। सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एक बार एक्शंस कर लो। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। 3 हो चुके हैं, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। आज हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाले चीज के ऊपर, जो है परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी युगो युगो तक, कंपनी जन्मों जन्मों तक चलती जाएगी, युगो युगो तक, जन्मों जन्मों तक चलती जाएगी। यह है परपेचुअल सक्सेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, परपेचुअल सक्सेशन और कुछ नहीं होता, कंपनी चलती जाएगी, भले ही लोग आए जाए फर्क नहीं पड़ता, मेंबर्स आए जाए फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? इट इज अ नेवर एंडिंग रोड, इट इज अ अनएंडिंग रोड। ठीक है, जो रोड चल रहा है ये कंपनी है, चल रही है, ये स्ट्रीट लाइट मेंबर से, ये स्ट्रीट लाइट डायरेक्टर से, मेंबर्स डायरेक्टर आते जाते रहेंगे, एम्प्लॉइज आते जाते रहेंगे, गवर्नमेंट आती जाती रहेगी, सरकार आती जाती रहेगी, पार्टियां बदलती रहेगी, मिनिस्टर बदलते रहेंगे, पर ये देश चलना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य था ये पार्लियामेंट के अंदर, जब वो इलेक्शन जीते थे और जब उन्होंने रिजाइन किया था, कि इन्होंने बहुत कंटेंशन किया। अटल बिहारी वाजपेयी इज अ फ्रीडम फाइटर, मैन ऑफ प्रेस्टीज, मैन ऑफ ऑनर, वो आदमी कुछ भी गलत सह नहीं सकता था। जब उनको बोला ना कि आप रिजाइन कीजिए, ये चीजें गलत है, वो बोले मैं रिजाइन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ये देश चलना चाहिए। पार्टियां आती जाती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, मेंबर मिनिस्टर्स आते जाते रहेंगे, पर देश चलना चाहिए। उसी तरीके से मेंबर्स आते जाते रहेंगे, डायरेक्टर आते जाते रहेंगे, एम्प्लॉइज आते जाते रहेंगे, पर ये कंपनी चलनी चाहिए, कंपनी का वजूद होना चाहिए। तो व्हाट इज अ परपेचुअल सक्सेशन? इट इज अ इनफाइनाइट रोड, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। मेंबर, ओनर्स, प्रमोटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्टेक होल्डर, एनी मे कम एंड गो, बट द कंपनी विल रिमेन टिल इटर्निटी। द कंपनी डज नॉट हैव लाइफ इक्वल टू इट्स प्रमोटर्स और मेंबर, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल कंपनी कैन रन फॉर द एजेस, द कंपनी विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन इट इज डिसॉल्व। अब एग्जाम्पल ले लो, जमशेद जी टाटा ने टाटा सन्स बनाया, जमशेद जी टाटा गए, उसके बाद रतन नवल टाटा गए, JRD टाटा गए, नहीं रतन टाटा अभी है, पर उनके जो दादाजी थे आई गेस उनका भी नाम रतन टाटा ही था, तो वो गए, JRD टाटा गए, दोराबजी टाटा गए, अभी रतन टाटा जी है। इतने सारे लोग चले गए, इतने सारे सीईओ, इतने सारे मेंबर चले गए, फिर भी कंपनी है। इंफोसिस शुरू किया था नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी, ये दो लोगों ने, नंदन नीलेकणी ये कांग्रेस की तरफ से इलेक्शंस भी लड़ते हैं, ठीक है, ये दो लोगों ने इंफोसिस शुरू किया था। और अगर आपको शायद पता होगा तो अभी इंफोसिस में नारायण मूर्ति जी चेयरमैन नहीं है। जिस वक्त नारायण मूर्ति ने इंफोसिस से रिजाइन किया था, इंफोसिस का शेयर 20-30% डाउन हो गया था। आपको पता है नारायण मूर्ति को कंपनी को संभालने के लिए वापस रिज्यूम करना पड़ा था 1 रुपए के सैलरी के ऊपर, पर अब उन्होंने वापस छोड़ दिया। विशाल सिक्का इन्फोसिस के चेयरमैन है। एप्पल का हम एग्जांपल लेते, स्टीव जॉब्स, ये एप्पल में अभी नहीं है, टिम कुक है, बट एप्पल चल रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, तो ये चीज आपने समझनी चाहिए। मेंबर आते जाते रहेंगे, डायरेक्टर आते जाते रहेंगे, पर कंपनी युगो युगो तक, जन्मों जन्मों तक चलती जाएगी। कंपनी का कोई लाइफ स्पैन नहीं है, क्लियर है? कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, यही कंपनी का एडवांटेज है, क्लियर है? जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हम जाते हैं, बड़े अच्छे से ध्यान देना, लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट कैरेक्टर इज लिमिटेड लायबिलिटी। परपेचुअल सक्सेशन समझ में आया होगा, बहुत अच्छी बात है। अगला होता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अपने इसमें से ही एग्जांपल लेते, कमेंट में से 2-3 लोगों के। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भैया पंकज, नितिन, मुक्ता एंड अनुजा, इन चारों ने मिलकर कंपनी बनाई। कंपनी का नाम था PNMA लिमिटेड।
पनामा लिमिटेड। सो इन चारों ने मिलकर कंपनी बनाई, नाम था पनामा लिमिटेड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब ये कंपनी में पंकज, नितिन, मुक्ता और अनुजा, ये चार लोग थे। चार लोगों के ऊपर आजकल बहुत सारी मूवीज भी बनी, जिंदगी जेड़े ने जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, क्लियर है? उसके अंदर तीन दोस्त थे, एक लड़की थी, उस लड़की के चक्कर में झगड़े हो रहे थे, समझ में आ रहा है? पर यहां नहीं होंगे, यहां सब सही चलने वाला है, ठीक है? सो ये चार लोग थे और ये चारों लोगों ने डिसाइड किया कि पनामा लिमिटेड बनाना पड़ेगा। और पनामा लिमिटेड के अंदर इनको ये सवाल था कि लाइबिलिटी कैसे हम बनाएंगे। अब एक चीज को आपने याद रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। चलिए मैं इसको थोड़ा वन नोट के ऊपर लेता हूं समझाने के लिए। ये कंसेप्ट काफी रिजिड है, काफी स्ट्रिंजेंट है, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हमें समय लेना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल क्रिएट करने पड़ेंगे। आर यू रेडी? जोर से बोलो, आर यू रेडी? सब जन, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? पेन ड्राइव और ऑनलाइन क्लास एक ही है बेटा, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है वही पेन ड्राइव में आपको दिया जाएगा, ठीक है? एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए सीआई इतना समय दिया था, कहां थे बेटा आप, ठीक है? सो पनामा लिमिटेड, अब पनामा लिमिटेड अगर मैं बोलू तो जब किसी भी कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगता है, दैट मींस उस कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड है, उस कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड है। थोड़ा अपन इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं, पंकज, नितिन, मुक्ता और अनुजा, आई एम वेरी सॉरी, अपन एग्जांपल थोड़ा सा दूसरा लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, हाई बेटा एवरीबॉडी, हाई जोश, रेडी, लेट्स गो। एग्जांपल मैं लेता हूं जेड एन एम डी का ही, जेड एन एम डी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी झंड ना होगी दोबारा, ठीक है? जेड एन एम डी लिमिटेड, जेड एन एम डी का अगर तुम्हें पता होगा, एंड में अगर आप वर्ड यूज करते हो लिमिटेड, तो इसका मतलब है इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन अगर एंड में आप वर्ड यूज करते हो अनलिमिटेड, इसका मतलब है इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अब मैं इसको सिंपल एग्जांपल के तौर पे यहां पे समझाना चाहूंगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। जेड एन एम डी लिमिटेड, जेड एन एम डी, इसको मैं दो पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा, जिसमें पहले दो पार्ट आएंगे लिमिटेड और एक पार्ट आएगा अनलिमिटेड। ये कंसेप्ट बहुत खतरनाक है, आपको इसके ऊपर डबल ट्रिपल ध्यान देना पड़ेगा। मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, इस कार्यक्रम की सभी घटनाएं विस्कलित है, कवरेज क्षेत्र के बाहर है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फाउंडेशन में जो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए था, उसे इंटर पे भी आपको समझ में आने में दिक्कत जाएगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। मुंडी उड़ने झटको, स्ट्रेट बैठो, सब चीजें छोड़ दो, बाबू सोना पिकाचू छोड़ दो, एक्स और वाई को छोड़ दो, अगर भी अभी ब्रेकअप हुआ है तो उसका दुख छोड़ दो, दारू पीने की इच्छा हो रही है ब्रेकअप, नहीं दारू नहीं पीनी, अभी तुम 18 साल के नीचे ही होंगे, बिल्कुल नहीं पी सकते, 21 साल के ऊपर जो करना है वो भी मत करना, गलत बात है बिल्कुल नहीं, जुबा केसरी भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो पूरा ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी को मैं फर्दर डिवाइड करता हूं बच्चों दो पार्ट्स में, एक लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी को मैं एक ही डिसाइड करता हूं, दैट इज अनलिमिटेड, जो टोटल अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? या फिर अनलिमिटेड में भी हम दो पार्ट्स कर लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी विथ शेयर्स एंड विदाउट शेयर्स, ठीक है? फिर मैं इसको चार डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड करना चाहूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यह कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अगर फाउंडेशन में पढ़ा होगा, फाउंडेशन में पढ़ा था क्या, बताइए जरा मुझे बच्चों, मुझे बताइए फाउंडेशन में पढ़ा था क्या, क्या ये कंसेप्ट आपने कभी फाउंडेशन में देखा है, यस और नो? यस, देखा है? अगर आपने फाउंडेशन में कंसेप्ट देखा है तो आई गेस ऐसा नहीं देखा होगा, इसलिए पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, क्योंकि आपने अगर फाउंडेशन में देखा है तो आई हैव अ वेरी सीवियर डाउट कि आई गेस आपको इसके कैलकुलेशन किसी ने बताए होंगे या नहीं बताए होंगे। तो मैंने क्या किया, जेड एन एम डी लिया, उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड में बेस बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर एंड विदाउट शेयर, क्लियर है कंसेप्ट? अब पहली बात, अगर मैं बोलू
कि भैया जेड एन एम डी लिमिटेड के अंदर चार मेंबर्स है आपने या तीन मेंबर्स है, जैसे ऋतिक, ऋतिक पता है ना, ऋतिक मैं आ रहा हूं, जादू 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 मम्मी ये देखो मम्मी मेरे साथ क्या हो गया, ऋतिक रोशन ठीक है वही वाला। दूसरा फरहान, फरहान तुम्हें फरहान के बारे में तो पता ही होगा, फरहान हाँ फरहान के बारे में तुमको आइडिया होगा ही। और तीसरा अभय देओल, ठीक है ये तीन आपके क्या है मेंबर्स है जेड एन एम डी लिमिटेड के। कह रहे तीन मेंबर्स में ले रहा हूं, जेड एन एम डी प्राइवेट लिमिटेड ले लो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल अपने को कंसेप्ट से मतलब है ठीक है। सो ऋतिक, ऋतिक मैं आ रहा हूं जादू मैं आ रहा हूं, फरहान मैं आ रहा हूं जादू मैं आ रहा हूं, ठीक है वैसा वाला। अब जब हम कहते हैं कि अगर जेड एन एम डी लिमिटेड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और ये लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर करना चाहते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन या लाइबिलिटी उठाना चाहते हैं, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में लेट्स से ऋतिक लाइबिलिटी उठा रहा है 1 लाख की, फरहान लाइबिलिटी उठा रहा है 2 लाख की, अभय लाइबिलिटी उठा रहा है 3 लाख की, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में दे विल सब्सक्राइब द शेयर्स, दे विल बाय शेयर्स, दे विल बाय शेयर्स ऑफ कंपनी टू द ट्यून ऑफ ₹1 लाख, टू द ट्यून ऑफ ₹2 लाख, टू द ट्यून ऑफ ₹3 लाख, इस तरीके से शेयर बाय करेंगे, जिसमें अगर मैं बोलूं तो इन्हीं के बीच में वोटिंग पावर भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये शेयर बाय कर लिए तो इन्हीं को शेयर्स बाय करने के ऊपर मिलेंगे वोटिंग पावर, मतलब इन्होंने शेयर्स ले लिए हैं, अब इनका वोटिंग पावर किस परसेंटेज में होगा, तो ये टोटल मिला के आपके अगर 100% शेयर्स हो चुके हैं 100%, तो आपको 100% यहां पे डिसीजन मेकिंग पावर टोटल रहेगा, तो उसमें से 50% पावर ये अभय का रहेगा, बिकॉज 50% कैपिटल अभय ने लाया है ठीक है। उसमें से अब जो बचा 50% है उसमें से आप नियरली ले लो, नियरली ऑन एन एवरेज रफली बोल रहा हूं 25% रहेगा आपके फरहान का और 15% रफली रहेगा आपके ऋतिक का, मैंने इसको सिर्फ डिवाइड कर दिया, मतलब ये रफली बोल रहा हूं मैं, क्लियर है एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे मत जाना, पर आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, 1:2:3 के प्रोपोर्शन के आसपास ये रहना चाहिए, क्लियर है कंसेप्ट, या सिंपल हाँ ये इस प्रोपोर्शन में रहना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट। सो दिस इज हाउ द शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 1 लाख रुपए आप कंपनी में डालोगे जेनरेट लिमिटेड में, बदले में आपको 1 लाख के शेयर्स मिलेंगे, 15% वोटिंग राइट, आप 2 लाख डालोगे बदले में आपको 25%, आप 3 लाख डालोगे बदले में 50%, बिकॉज 50% आपने कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। गारंटी कंपनी में हम शेयर नहीं डालते, गारंटी कंपनी में हम प्रोमिस देते हैं, वादा देते हैं, प्रोमिस, हम अब पैसा अभी नहीं डाल रहे, हम सिर्फ प्रोमिस कर रहे हैं कि आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम ₹1 लाख डालेंगे, हम ₹2 लाख डालेंगे, हम ₹3 लाख डालेंगे, ये हम वादा कर रहे हैं, और ये वादा है, ये प्रॉमिस है, ये देखो यहां देखो मैंने शेयर लिखा है, यहां मैंने प्रॉमिस लिखा है, और इसके अंदर मैं लिखना चाहूंगा कि इफ दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ 100%, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन वोटिंग राइट का वैसे ही होगा जैसे शेयर कैपिटल में होता है 50%, 25% एंड 15%, ये भी आपका वोटिंग पावर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार सुनो, ये इसी तरीके से वोटिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्लियर है। अब इनका पेमेंट कब होगा इसके ऊपर सवाल है, तो मैं आपको बताऊंगा, गारंटी कंपनी में पेमेंट कब होगा इसके ऊपर सवाल है, तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट हैपेंस, मैं थोड़ा सा ऊपर ये कंसेप्ट लिख के रखता हूं, शेयर कैपिटल कंपनी का अगर मैं टाइम लाइन ड्रॉ करूं, शेयर कैपिटल कंपनी का अगर मैं टाइम लाइन ड्रॉ करूं, टाइम लाइन कि यहां मेरा इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, तो मैं शेयर कैपिटल कंपनी में आज पैसे लगाता हूं, तो शेयर कैपिटल कंपनीज आज लगाऊंगा, आज लगाऊंगा कि आज मैं कंपनी में कैपिटल लगाऊंगा, बनाना बुलाना लगाना, लगाना याद है आपको, बनाना बुलाना लगाना, हम कैपिटल लगा रहे थे, तो शेयर कैपिटल कंपनी में मैं आज कैपिटल लगाऊंगा, आज कितना लगाऊंगा वो नहीं पता, हो सकता है मेरा फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹10 रहे, ₹10 हमारा फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, और इस फेस वैल्यू के शेयर के हिसाब से ऋतिक ₹10 के फेस वैल्यू में हो सकता है 10,000 शेयर ले, 10,000 शेयर अगर वो ₹10 के फेस वैल्यू के लेता है तो उसको ₹1 लाख देने हैं, ₹1 लाख देने हैं, पर कंपलसरी नहीं है कि वो ₹1 लाख आज ही देगा, हो सकता है कि इसमें से फर्स्ट कॉल या सब्सक्रिप्शन मनी
हो सकता है फर्स्ट कॉल या सब्सक्रिप्शन मनी 10 रुपए में से हो सकता है कि आप 5 रुपए अभी मांग लो, 5 रुपए अभी मांग लो। तो ऋतिक ने 1 लाख में से 50,000 रुपए 50K रुपए अभी दे दिए। फिर उसके बाद में कभी फर्स्ट कॉल किया जाएगा, उसमें आप 2 रुपए पर शेयर मांगोगे, ₹2 ऑफ फेस वैल्यू आप मांगोगे, तो हो सकता है उसमें ऋतिक 20,000 रुपए दे दे। उसके बाद में तीसरा कॉल आप मांगोगे, सेकंड कॉल आप मांगोगे, ठीक है, तो उसके अंदर हो सकता है आपने 1 रुपया मांगा तो ऋतिक ने 10,000 रुपए यहां पे दे दिए। और सबसे आखिरी जब कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ, और कंपनी की लाइबिलिटी मोर देन कंपनी के असेट्स थी, कंपनी की लाइबिलिटी असेट से ज्यादा थी, यहां ऋतिक को कितना देना था, 1 लाख, 1 लाख में से 50 दे दिया 20 दे दिया 10 दे दिया ऋतिक का बोल रहा हूं, सिर्फ ऋतिक का, क्योंकि ऋतिक का यहां पे सब्सक्रिप्शन कितना है 1 लाख रुपए। तो 50 दे दिया 20 दे दिया 10 दे दिया मतलब 80 दे दिया। अब लाइबिलिटी मोर देन असेट है तो लाइबिलिटी पे करना बाकी है, ऋतिक ने कमिट किया था 1 लाख रुपए देगा, उसमें से 80 दिया, तो यहां पर अब ऋतिक कितना हजार देगा, 20K देगा, भले ही लाइबिलिटी असेट से कितनी भी ज्यादा हो, लाइबिलिटी असेट से कितनी भी ज्यादा हो। अब इसके अंदर भी मैं 2 पार्ट यहां पे करने की कोशिश करूंगा, इसको डिवाइड करता हूं 2 पार्ट में। लेट्स टेक मतलब सिर्फ समझने के हिसाब से, समझने के एंगल से, और इसको बहुत सीरियसली लेना, मरने के बाद भी जलने के बाद भी कम याद रहना चाहिए। सीए फाइनल के कुछ टॉपिक इसके ऊपर डिपेंड है, यहां तक के चार्जेस ऑन असेट और डिपॉजिट्स वाले भी अपने टॉपिक इसके ऊपर डिपेंड है, क्लियर है कांसेप्ट, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैं बोल रहा हूं लाइबिलिटी असेट से ज्यादा है, तो बेटा लाइबिलिटी असेट से कितनी ज्यादा है ये मैं यहां पे बोल रहा हूं, एक छोटे फिगर्स लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स से हमारी लाइबिलिटी यह है 1 लाख की, और हमारे जो असेट्स है मोर देन असेट्स, और हमारे असेट्स जो है ना वो सिर्फ 92,000 के बचे हैं, 92K के, 1 लाख की लाइबिलिटी है, 92K असेट्स, तो लाइबिलिटी मोर देन असेट्स कितना हुआ, तो 8K से लाइबिलिटी मोर देन असेट्स हुआ। ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लाइबिलिटी इज मोर देन असेट्स, हमारी लाइबिलिटी है 1 लाख की, असेट्स में दूसरे एग्जांपल में रिड्यूस कर रहा हूं। लेट्स सेकंड एग्जांपल, 70K के असेट्स ही है, तो हमारे पास कितने का शॉर्टेज है, दैट इज 30K का। अब ऋतिक को कितना देना है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, ऋतिक ने 1 लाख कमिट किया था शेयर्स के ऊपर, 50 दिए 20 दिए 10 दिए 80 दिए, टोटल कितने दिए ऋतिक ने, 80 दिए। अब ऋतिक को कितने देने हैं, 20 देने हैं, 1 लाख में से 80,000 ऋतिक ने दिए है, 20,000 बाकी है। पर फर्स्ट एग्जांपल में, केस नंबर 1 में, हमारी लाइबिलिटी असेट से सिर्फ 8,000 से ज्यादा है, फिलहाल तुम अभय और फरमान को भूल जाओ, फिलहाल सिर्फ मैं ऋतिक की बात कर रहा हूं, लाइबिलिटी मोर देन असेट 8,000 का है, और ऋतिक को देने हैं 20,000। अब कंपनी वाइंड अप हो रही है, ऋतिक ने 20,000 देके वापस ऋतिक 12,000 ले, 20,000 देगा तो 8,000 के लिए लाइबिलिटी पे होगी ना, सिर्फ लाइबिलिटी तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि फिक्स हो चुकी है लाइबिलिटी 1 लाख के भैया लाइबिलिटी, और 92,000 के असेट्स है, 1 लाख की लाइबिलिटी 92,000 के असेट, तो 8,000 देने, तो ऋतिक यहां 20,000 पूरे नहीं रहेगा। भले ही माना ऋतिक को 20,000 देने हैं, पर लाइबिलिटी उतनी है ही नहीं, तो ऋतिक यहां पे सिर्फ 8K देगा। ऋतिक का कॉन्ट्रीब्यूशन, लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज 8K ओनली, बात खत्म। ऋतिक यहां पे 20K देने की जरूरत नोन, 12K देने की जरूरत नोन नहीं है, नो नीड टू गिव 12K। ऋतिक को कोई 12,000 देने की जरूरत नहीं है, ऋतिक का काम हो गया। लेकिन दूसरे केस में, केस नंबर 2 में, यहां पे लाइबिलिटी 30K है, ऋतिक को देने कितने हैं 20K, पर लाइबिलिटी कितनी ज्यादा है 30K, 1 लाख के असेट लाइबिलिटी थी, 70,000 के असेट्स थे, ऋतिक को देने कितने हैं 20K, पर लाइबिलिटी कितनी है 30K, 10,000 से लाइबिलिटी ज्यादा है बेटा, 10,000 से लाइबिलिटी ज्यादा है। क्या ऋतिक पूरे 30,000 देगा? नहीं। यहां अब कंसेप्ट ट्रिगर होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का, तो यहां पर ऋतिक कितना देगा, ऋतिक का लास्ट प्रॉमिस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन था 20K बचा हुआ, ऋतिक से 20K देगा, नो नीड टू पे 10K, 10,000 की लाइबिलिटी ये अनपेड रहेगी 10K। फिलहाल अभय फरहान को भूल जाओ, सिर्फ ऋतिक पे समझो, ऋतिक पे समझो जाओगे, अभय फरहान पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? तो पहले केस में लाइबिलिटी कम थी तो हमने कम पे किया, दूसरे केस में लाइबिलिटी ज्यादा थी तो हमने जितना प्रॉमिस किया था उतना पे किया। सो व्हाट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर आप मुझे पूछो तो व्हाट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, तो मैं यहां ग्रीन कलर से लिखना चाहूंगा, दैट इज अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच एवर इज लोअर, ये आपको सबसे एंड में पे करना है। लेकिन आपका अमाउंट फिक्स है, आपने 1 लाख बोला तो आप पूरे 1 लाख पे करोगे, या जितनी एंड में लाइबिलिटी बची उतना ही पे करोगे, 1 लाख से एक पैसा ऊपर नहीं पे करोगे, दैट इज लिमिटेड। 1 लाख से एक पैसा भी ऋतिक को ज्यादा पे नहीं करना है, दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। भले यहां पर लाइबिलिटी 30,000 थी, ऋतिक को 20 ही पे करने पड़े।
पहली बात तो मुझे बताओ ये समझ में आया क्या, ये लिमिटेड लाइबिलिटी शेयर कैपिटल वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या? फटाफट मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर, क्या ये लिमिटेड लाइबिलिटी शेयर कैपिटल वाला कंसेप्ट समझ में आया? फटाफट बताइए एवरीबॉडी प्लीज। चलो बहुत बढ़िया, सबको अगर समझ में आ रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। चलो बहुत अच्छा, किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार मैं वापस से बोल दूं, वापस से एक बार बोल दूं, ऋतिक ने प्रॉमिस कितना किया था? 10,000 शेयर, 10 रुपए फेस वैल्यू वाले, मतलब 1 लाख कमिट किया था। उसने सब्सक्रिप्शन में 50,000 दिए, फर्स्ट कॉल पे 20,000 दिए, सेकंड कॉल पे 10 दिए, टोटल ऋतिक ने कितने दिए? 80,000। फिर भी ऋतिक को कितने देने हैं? 20,000। कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी वाइंड अप हो गई, लाइबिलिटी असेट से ज्यादा आई सिर्फ 8,000 से, तो ऋतिक पूरे 20 देगा क्या? नहीं, ऋतिक सिर्फ कितने देगा? 8, क्योंकि लाइबिलिटी है ही नहीं। लेकिन लाइबिलिटी असेट से ज्यादा आई 30,000 से, तो ऋतिक पूरे 30,000 देगा क्या? नहीं। उसने कमिट कितना किया था? 20, तो सिर्फ कितना देगा? 20। 1 लाख कमिट किया था, 80 दे दिए, 20 देगा। क्लियर है कंसेप्ट? आई होप सो सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज अ गारंटी कंपनी। ये तो शेयर कैपिटल वाला हो गया, लेट्स हैव इट हियर, दूसरे कलर से पेन से लेते हैं, व्हाट इज अ गारंटी कंपनी। अगर हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी तो गारंटी कंपनी का मतलब आज लगाऊंगा नहीं है, गारंटी कंपनी का मतलब है, मैं इनकॉर्पोरेशन पे बोल रहा हूं, कल लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, वो भी कल तब लगाऊंगा अगर लाइबिलिटी ज्यादा है, तो कल लगाऊंगा। जैसे ऋतिक यहां पे आया, ऋतिक ने, मैं आ रहा हूं लालू, मैं आ रहा हूं, तो ऋतिक ने यहां पर बता दू, ऋतिक ने यहां पे प्रॉमिस किया रुपीज 1 लाख का, मैं आ रहा हूं जादू, मैं आ रहा हूं, 1 लाख का प्रॉमिस किया है ऋतिक ने, ये सिर्फ प्रॉमिस है। यहां पे कोई फंड आया क्या? रुपीज में लिक्विडिटी आया क्या? नहीं आया। नॉर्मली सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह होती है ना, जिन कंपनी में कैपिटल वगैरह नहीं लगता, जो स्टार्टअप कंपनीज होती है जिसमें कैपिटल नहीं लगता, वर्चुअली सब चलता है, भैया एक वेबसाइट बना लो, बात खत्म हो गई, वेबसाइट भी कंपनी बनाने के पहले ही बना लेते, कैपिटल लगाते ही नहीं है, ऐसी कंपनीज में ये वाला सिचुएशन क्रिएट होता है। सो 1 लाख का ऋतिक ने प्रॉमिस किया है, ऋतिक को थ्रू आउट द लाइफ ऑफ कंपनी कुछ नहीं देना है, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ कंपनी जो है ना पूरा, नो नीड टू पे एनीथिंग। ये कंपनी नॉर्मली लोन पे चलती है, नो नीड टू पे एनीथिंग। तो कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा? नॉर्मली इन केसेस में जैसे आप कोई स्टार्टअप देख लो, स्टार्टअप करते वक्त फंड मैनेजर्स आते हैं, फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, वर्चुअल इन्वेस्टर, वेंचर इन्वेस्टर्स आते हैं, वो आपके कंसेप्ट को देख के आपके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आपने शायद एक ऐप देखा होगा पेट्रो, पेट्रो ये इंडिया का सबसे बड़ा ऐप है जो डॉक्टर्स के बारे में आपको बोलता है। उस ऐप के ऊपर जाके आपके सिटी के आप डॉक्टर्स देख सकते हो, सभी उन डॉक्टर के रेटिंग दे सकते हो और उनकी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो पेट्रो के ऊपर जाके, कि भैया इस दिन ये स्लॉट अवेलेबल है, तो आप उसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करोगे, डॉक्टर को नोटिफाई कर दिया जाएगा, उस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे आप जा सकते हो। तो ये पेट्रो करके एक ऐप है, ये स्टार्टअप है, उसके बाद में ओयो रूम्स, ओयो तो पता ही होगा, अरे ओयो क्या भूलू, ओयो के क्या कहने जिंदगी के अंदर, ओयो 60% डिस्काउंट के ऊपर चलता है, समझ में आ रहा है? 60% डिस्काउंट पे पैसा लोगों के पास बहुत है, अरे पैसा लोगों के पास बहुत है पर जाए किसके साथ? नालायको सुधरो जिंदगी के अंदर, निकम्मे लोगों, ओयो में डिस्काउंट देने के वजह से। एनीवेज आगे 14 फरवरी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ ही रहा है 14 फरवरी, मतलब ओयो का बिजनेस टाइम हो चुका है अभी, क्या नो कमेंट्स, लेट्स गो, ठीक है। So, पैसा बहुत है लोगों के पास, पैसे का टेंशन नहीं है, अंधा पैसा है लोगों के पास, मतलब इतना पैसा है पर आगे। So, आ जाइए। So, ऋतिक ने यहां प्रॉमिस किया 1 लाख, ओयो स्टार्टअप कंसेप्ट है, ठीक है, पेट्रो स्टार्टअप कंसेप्ट है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसमें लोग क्या बनाते हैं? एप्लीकेशन। अरे एप्लीकेशन तो कोई भी बना सकता है, व्हाइट हैट जूनियर के ऊपर चिंटू भी एप्लीकेशन बना सकता है, व्हाइट हैट जूनियर पर तो चिंटू भी एप्लीकेशन बना लेता है ना, चिंटू शक्ल से कतई बेकार दिखता है, कतई बदमाश दिखता है, लगता भी नहीं है कि खाना भी ठीक से खाता होगा, पर व्हाइट हैट जूनियर पे चिंटू एप्लीकेशन जरूर बना सकता है। तो बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करे? जॉब छोड़ दे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करे? अगर चिंटू एप्लीकेशन बनाने लग गया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करे? जॉब छोड़ दे। एनीवेज चलो, सो ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए जिंदगी के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं कि भैया ये जो स्टार्टअप है, ये इनके लिए कॉस्ट नहीं लगता, आप घर पे बैठे अगर आपको कोडिंग वगैरह का नॉलेज होगा ना, आप एक आधा एप्लीकेशन बना दोगे, वो किसी को पसंद आए तो आपको कोई फंडिंग मिलेगा, तो नॉर्मली आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं रहती। दीज कंपनी नॉर्मली सर्वाइव ऑन लोन, दीज कंपनी नॉर्मली सर्वाइव और लोन और फंडिंग,
ये कंपनी लोन या फंडिंग के ऊपर सर्वाइव होती है, ठीक है। अब एंड में ये कंपनी की लाइबिलिटी देखेगी इज मोर देन असेट्स। इसको मैं डिवाइड करता हूं दो पार्ट्स में, इसको भी मैं डिवाइड करता हूं लाइबिलिटी एंड असेट्स कंपैरिजन, ठीक है, लाइबिलिटी और असेट्स कंपेयर। इसके अंदर मैं लिखना चाहूंगा इफ योर असेट्स इज मोर देन योर लाइबिलिटी, इफ योर असेट इज मोर देन इक्वल टू योर लाइबिलिटी, तो ऐसे सिचुएशन में ऋतिक निड नॉट पे एनीथिंग। असेट लाइबिलिटी से ज्यादा है, सो ऋतिक निड नॉट पे एनीथिंग। ऋतिक ने कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। बट यहां पे अगर आपकी लाइबिलिटी इज मोर देन योर असेट, तो इसमें मैं दो पार्ट करूंगा, योर लाइबिलिटी इज मोर देन असेट। अब यहां पे मैं अमाउंट ले रहा, सीधा लिख रहा हूं, बाय समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल 70,000। 70 कैसे तुम्हारी लाइबिलिटी असेट से ज्यादा है, और दूसरे जगह पे मैं लिख रहा हूं लाइबिलिटी इज मोर देन असेट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल बाय 1,50,000, 1.5 लाख। क्लियर है आंसर? अब इस केस में ऋतिक ने प्रॉमिस कितना किया है, 1 लाख। ड्यूरिंग द पीरियड उसने कुछ भी पे किया क्या? नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला था, कल लगाऊंगा, आज नहीं लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, वाइंडिंग अप के टाइम लगाऊंगा। तो वाइंडिंग अप आ गया बेटा, वाइंडिंग अप के टाइम पे असेट मोर देन लाइबिलिटी, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। पर लाइबिलिटी अगर मोर देन असेट्स है, 70 केस है, तो मुझे सब जन आंसर में बताइए, सब जन आंसर में बताइए, ऋतिक यहां पे 1 लाख लगाएगा या सिर्फ 70,000 लगाएगा? ऋतिक यहां पे 1 लाख लगाएगा या 70,000 लगाएगा? फटाफट मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए, ऋतिक यहां कितना लगाएगा, 1 लाख लगाएगा या 70,000 लगाएगा? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी फास्ट, व्हाट अमाउंट ऋतिक विल इन्वेस्ट, 1 लाख और 70,000? फटाफट फटाफट बताइए, जिंदगी में एकदम सही आंसर चाहिए मेरे को। 1 लाख लगाएगा, 70,000 लगाएगा? तो जिन्होंने 70 के बोला है एकदम सही, ऋतिक ने सिर्फ 70,000 पे करने हैं, नो नीड टू पे 30,000, क्योंकि लाइबिलिटी उतनी है ही नहीं, लाइबिलिटी ही नहीं है। तो 1 लाख में किसको दान में दे दू, 30,000 बचा हुआ, 30,000 दान में दे दू, या फिर देके वापस ले लू? सो ने नो नीड टू पे 30,000, नो नीड टू पे, क्या बोले एक बार जो से 30,000। जिसने अगर 1 लाख लिखा है बेटा, गलत है कुशल बेटा, इसको थोड़ा वापस सोचना कि भैया 30,000 देंगे किसको, जबरदस्ती का 30,000 देंगे, 70,000। अच्छा, यहां पे 1.5 लाख की लाइबिलिटी है, प्लीज टेल मी ऋतिक कितना पे करेगा? 1.5 लाख का लाइबिलिटी है, प्लीज टेल मी ऋतिक कितना पे करेगा? फटाफट बताइए, 1 लाख पे करेगा या 1.5 लाख पे करेगा? सब जन आंसर में लिखेंगे 1 लाख पे करेगा या 1.5 लाख पे करेगा? फटाफट बताइए। सो ऋतिक यहां सिर्फ 1 लाख पे करेगा, नो नीड टू पे, नो नीड टू पे एक्स्ट्रा 50,000, एक्स्ट्रा 50K। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यह है गारंटी कंपनी। यह कौन सी कंपनी है बच्चों? गारंटी कंपनी। इस तरीके से गारंटी कंपनी समझ में आना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ, यहां पे अगर असेट, ऋतिक नो नीड टू पे एनीथिंग, ऑल्सो ही कैन रिसीव सरप्लस असेट, ऑल्सो ही कैन रिसीव सरप्लस असेट। अगर यहां पे कोई सरप्लस असेट है तो वो भी ऋतिक को यहां पे मिल सकती है। क्यों? क्योंकि तुमने इतने अच्छे से कंपनी चलाई कि तुम्हारी असेट लाइबिलिटी से ज्यादा है। अगर तुमने कंपनी एज अ मेंबर इतने अच्छे से चलाई कि असेट लाइबिलिटी से ज्यादा है, तो सरप्लस असेट तो तुम्हारी बनती है, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है बच्चों गारंटी कंपनी। तो आई होप सो कि आपको शेयर कैपिटल कंपनी और गारंटी कंपनी के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब सेम इक्वेशन आप ऋतिक, फरहान, अभय, तीनों को मिलकर भी लगा सकते हो, तीनों को मिलकर, ठीक है। और तीनों को मिलकर लगाओगे तो आपको सिर्फ टोटल कैलकुलेशन ही करना है। मैंने एक का एग्जांपल दिया, यहां पे आप तीनों को मिलकर भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो यस ना। अब मैं जा रहा हूं अनलिमिटेड लाइबिलिटी विद शेयर कैपिटल पे। बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, मैं यहां थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा बिकॉज जरूरत है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी विद शेयर कैपिटल में हम कंपनी में शेयर्स लेते हैं ₹1 लाख के ऋतिक के लिए, ₹2 लाख के फरहान के लिए, ₹3 लाख के आपके अभय के लिए। टोटल कितना? 100% वोटिंग। तो यहां आपको वोटिंग पावर जो है वो 100% ही मिलेगा, जैसे 50%, 25% और 15%। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पर अनलिमिटेड कंपनी में एक तकलीफ होती है कि आप जितना शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करो इसका कोई फायदा नहीं है। एंड में अगर लाइबिलिटी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन सबका मिला के कितना शेयर कैपिटल है? 6 लाख का शेयर कैपिटल है, 6 लाख का कैपिटल है। पर अगर इनकी लाइबिलिटी 50 लाख है, एट द एंड ऑफ लाइफ, एट द एंड ऑफ द डे इनका लाइबिलिटी अगर 50 लाख है, मैं यहां लिखता हूं लाइबिलिटी 50 लाख है, तो इनको ये लाइबिलिटी प्रोपोर्शनेटली पे करना पड़ेगा। 1:2:3 के प्रोपोर्शन में इनको ये लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। 50 लाख का लेट्स टेकन यहां लाइबिलिटी है और इनका एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 6 लाख का है, पर एंड में लाइबिलिटी 50 लाख का ज्यादा है असेट से, ठीक है। यहां मैं थोड़ा और ठीक से लिखता हूं, थोड़ा मैग्नीफाई करके लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। इफ योर लाइबिलिटी इज मोर देन असेट्स बाय 50 लाख रुपीज, चलो 50 लाख के जगह पे मैं इसको थोड़ा लेता हूँ 60 लाख, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएंगे। आपकी लाइबिलिटी आपके असेट से 60 लाख से ज्यादा है, तो आपने जो 6 लाख पे किए वो तो किए ही किए, एडिशनली तुमको खुद के जेब से ऋतिक को 10 लाख देने पड़ेंगे,
पे करने के लिए फरहान को 20 लाख देने पड़ेंगे और अभय को 30 लाख देने पड़ेंगे, ये खुद के जेब से देने पड़ेंगे क्योंकि ये तुमको लाइबिलिटी पे करने पड़ेगी, ये तुमको लाइबिलिटी पे करने पड़ेगी, ये तुमको खुद के जेब से देने हैं। सर खुद के जेब से मतलब क्या? खुद के जेब से का मतलब बच्चों बहुत सिंपल मतलब है खुद के जेब से। हे मां शक्ति, पेन मत बंद कर मां, हे मां इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हे मां शक्ति, मां हे मां, हे मां शक्ति। सुनील शेट्टी देखा है? सुनील शेट्टी देखा है? हां सुनील शेट्टी देखा है, मां शक्ति। सो यहां 60 लाख का जो आपका लाइबिलिटी है आपको 10, 20 और 30 के रेंज में पूरा पे करना पड़ेगा। और ये आप कहां से पे करोगे? आपने 6 लाख तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया, पर ये 10, 20, 30 कहां से पे करोगे? ये 10, 20, 30 लाख तुम पे करोगे तुम्हारे घर के टीवी से, तुम्हारे घर के फ्रिज से, तुम्हारे घर के वॉशिंग मशीन से, तुम्हारे घर के सोने की थाली, चांदी के चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, इनसे तुम पे करोगे। ये तुम्हारे पर्सनल असेट से तुम पे करोगे। तुम्हारे घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, सब बेच दिया जाएंगे अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो। तुम्हारे पास 10 लाख, ऋतिक के पास 10 लाख रुपए नहीं है, ये सब बेच दिया जाएगा। ऋतिक सुजान का झगड़ा हो गया, डिवोर्स हो गया, सुजान को ऋतिक ने पैसे दिए, ऋतिक कंगाल हो गया, ऋतिक को 10 लाख लाइबिलिटी में कंपनी में दे रहे हैं। ऋतिक टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, इसमें से ये पैसा देना पड़ेगा, ये पर्सनल असेट में से देना पड़ेगा, तुम्हारा घर गिरवी हो जाएगा। हो सकता अगर तुम्हारे पास ये पैसा नहीं है तो ये सब चीज तुम्हें तुम्हारे पर्सनल असेट से देनी पड़ेगी। ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है, कोई लाइबिलिटी के ऊपर लिमिट नहीं है। क्रेडिटर का हर पैसा क्रेडिटर को मिलेगा, हर पैसा, एक पैसा भी क्रेडिटर का नहीं छोड़ेगा, भले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ड्यूज हो, एम्प्लॉय ड्यूज हो, फर्क नहीं पड़ता, हर क्रेडिटर का हर पैसा तुमको पे करना है तुम्हारे घर के असेट से जब तक तुम इंसॉल्वेंट नहीं हो जाते। कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज अ कंपनी विच इज अनलिमिटेड। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना। सो बोलो एक बार, सब जन बोलेंगे और वहां पे लिखेंगे भी कमेंट्स में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? कि भैया कैपिटल डालने के बाद भी लिखना वहां पे कमेंट में, मेरे घर का टीवी, मेरे घर का फ्रिज, फ्रिज, अरे फ्रिज दिखा रहे हैं, फ्रिज ऐसा ही रहता, दरवाजा खोलो ठंडी लगती, ठीक है। सो मेरे घर का टीवी, मेरे घर का फ्रिज, मेरे घर का वॉशिंग मशीन, मेरे घर का सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर नहीं दिखा सकता मैं, आई एम वेरी सॉरी, डायपर नहीं दिखा सकता, डायपर आप खुद जो एक्शन करेंगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अकेली होंगे तो कर लो, कोई ठीक है। सो मेरे घर का क्या? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, ये सब दाव पे लग जाएगा। ये है अनलिमिटेड कंपनी। ये क्या है बोले एक बार जोर से? अनलिमिटेड कंपनी। क्लियर है कंसेप्ट एक्सेट्रा मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। हाँ, अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है, आप बच गए, बाप बच गए। आपको शेयर कैपिटल के नाम पे अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल में कुछ नहीं लाना है, घंटा कुछ आपको लाना है। आपके वोटिंग पावर विल बी डिसाइडेड एज पर एग्रीमेंट। सबने लिखना है, जिसने नहीं लिखा ना उसका एक्स उसके वाई के साथ भाग जाएगा और उसका आने वाला जो बनने वाला है वो उसको मिलेगा ही नहीं, वो 2 साल लेट मिलेगा। फिर मत बोलना सर मैं इतने दिन से सिंगल पड़ा हूं, आपका स्टेटस सिंगल नहीं होता। सीए इंडस्ट्री के अंदर सीए के बच्चों का स्टेटस देखो, स्टेटस अलग अलग होते हैं, सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड, ये तो नॉर्मल लोगों के है। हम सीए के बच्चों का स्टेटस और अलग होता है, सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड फॉर नॉर्मल पीपल, सीए स्टूडेंट झंड। फेसबुक ने अलाउ करना चाहिए, फेसबुक ने एक स्टेटस नया निकालना चाहिए खास सीए स्टूडेंट, सीए, सीए, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड झंड, क्योंकि हमें हमारा स्टेटस ही पता नहीं होता क्या चल रहा है, हमारा स्टेटस हमेशा झंड होता है। सो यहां पे वोटिंग पावर एज पर एग्रीमेंट, एज पर एग्रीमेंट, ये आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? रही बात लाइबिलिटी की, तो व्हाट एवर मे बी लाइबिलिटी, एनी लाइबिलिटी विल बी पेड, will be paid till last penny even if you get insolvent, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? यह है आपका शेयर कैपिटल कंपनी, यह है आपका गारंटी कंपनी, शेयर कैपिटल अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल अनलिमिटेड। क्लियर है सब? खत्म ना आया हुआ, खत्म ना आया हुआ। अब यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे इसको थोड़ा सा और एलेबरेट करेंगे अच्छे तरीके से, टेबल भी तो अच्छा बनना चाहिए। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि भैया असेट्स, या फिर यहां पे मैं लिखता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, पेडअप, पेडअप कैपिटल। तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, समझो पेडअप कैपिटल के अंदर मैं लिख रहा हूं कि जो ऋतिक है उसने पेडअप कैपिटल 1 लाख में से दिया है सिर्फ 50,000,
या लेट्स टेक एन 80,000, ठीक है, पहले ही 80,000 हमने किया था तो आईटी के ही लेते हैं। फरहान जो है उसने 2 लाख में से दिया था 1.5 लाख, और अपना जो अभय देवल जो है उसने समझो पे किया है 2 लाख, ठीक है। ये पेडअप कैपिटल है इनका, समझ में आ रहा है। सो मैं यहां पे लिखता हूं पेडअप, तो अनपेड कैपिटल कितना रहा, दैट इज ऋतिक ने सिर्फ 80K दिया है, 80 यहां इसको मिटा के लिख दू 80K, तो 20K ऋतिक का अनपेड है, फरहान का 50K अनपेड है, और इसका 1 लाख अनपेड है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये अनपेड कैपिटल है इनका, ठीक है। यहां क्या गारंटी कंपनी में पेडअप कुछ अमाउंट होता है, गारंटी कंपनी में फटाफट बताइए पेडअप अमाउंट होता है, नहीं, ठीक है। और बीवी के बच्चे नालायक, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन सोने की थाली चांदी का चम्मच और बीवी के बच्चे बोल रहा है। अबे बीवी के बच्चे अपने ही होते हैं, बीवी के बच्चे नालायक, पीपीपीटी नालायक, और बीवी के बच्चे बोल रहा है, अबे बीवी के बच्चे भी अबे नालायक आदमी, बीवी के बच्चे किसी और, मेरे को बोलना है, मेरे को कमेंट ही नहीं करना है, तुम बेकार ही लोग, मेरे को कमेंट देखना ही नहीं है, मैं बंद कर रहा हूं, मेरे को देखना है, कतई बेकार लोग, हट जहर हट। सो अनपेड, नेक्स्ट वाला, सो पेड अप कैपिटल ये 3 है। अनपेड कैपिटल में गारंटी कंपनी में सब अनपेड होता है, जैसे ऋतिक का पूरा 1 लाख अनपेड रहेगा, फरहान का पूरा कितना 2 लाख अनपेड रहेगा, और कितना इसका अभय का कितना अनपेड रहेगा 3 लाख अनपेड रहेगा, तो ये अनपेड कैपिटल हुआ। दिस इज नॉर्मली शेयर कैपिटल कंपनी, मैंने बोल दिया पेडअप इतना है, अनपेड इतना, गारंटी में तो पूरा ही अनपेड होता है। इधर शेयर कैपिटल कंपनी में अगर मैं बोलूं तो इधर भी मैं सेम अमाउंट ले रहा हूं, पेडअप वाला, पेडअप और यहां पे अनपेड वाला, सभी नालायक लोगों हंस लो वहां, दांत निकाल निकाल के हंस लो नालायक लोगों, सब दांत निकालना, तो बेकार बच्चे हट। सो यहां पे पेडअप कितना है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, 80K, कतई बेकार लोग है हट। हम कितने सभ्य बच्चे थे, हम ऐसा कुछ सोचते भी नहीं थे, तुम सब नालायक लोगों, कहां से मैं, मतलब वो विजय सर बोलते हैं ना, दूध चाय में क्या मिली, दूध चाय में क्या मिली, चाय का कलर काला हो, दूध का कलर काला हो गया, दूध चाय में क्या मिला, दूध का कलर काला हो गया, मुझ जैसा शरीफ आदमी तुम लोगों से क्या मिला, आदमी बावला हो गया, समझ में आ रहा है तुमको, तुम्हारे वजह से बिगड़ रहा हूं मैं, पहले बहुत अच्छा था, ये तुम लोगों की वजह से हट। 80K तो यहां पे 1.5 लाख, ए मा शक्ति, उसके बाद में 2 लाख, ठीक है, तो यहां पे 20K, 50K अनपेड और 1 लाख अनपेड। चलो कमेंट छोड़ो, कमेंट छोड़ो, टाइम पास बंद, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं। मैं एक बार वापस से बोलू, शेयर कैपिटल कंपनी लिमिटेड में मैंने लिख दिया कितना पेड़ है कितना अनपेड है, गारंटी में तो पूरा ही अनपेड होता है, कमेंट्स बंद कीजिएगा। अनलिमिटेड के अंदर भी मैं लिख रहा हूं, सेम अमाउंट में जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि आपको बाद में इक्वेशन समझ में आए, यहां पे तो पेड अनपेड का कोई सवाल ही नहीं है, तो हमको कुछ करना लेना देना ही नहीं है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं असेट्स रियलाइज, अब मैं ले रहा हूं असेट्स रियलाइज, ठीक है। असेट्स रियलाइज में ले रहा हूं यहां पे दो फॉर्म में ले रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकंड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं असेट्स रियलाइज ले रहा हूं और लाइबिलिटी, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं असेट्स, पहले तो लाइबिलिटी लिख लू, मैं लाइबिलिटी ले रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 20, 50, 1, 1, 70, लाइबिलिटी है मेरी 10 लाख की, ठीक है, और मेरे असेट्स रियलाइज है, फर्स्ट एग्जाम्पल में मेरे असेट्स रियलाइज है 9 लाख की, सब समझ में आ रहा है, असेट्स रियलाइज 9 लाख फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में लाइबिलिटी है 10 लाख की और मेरे असेट्स रियलाइज है 6 लाख के, क्लियर है कॉन्सेप्ट। इधर भी गारंटी कंपनी में भी फर्स्ट एंड सेकंड दो एग्जाम्पल में क्रिएट कर रहा हूं, यहां पे मेरे असेट्स रियलाइज्ड है लाइबिलिटी कंपनी के अंदर लेट्स से 9 लाख और लाइबिलिटी है 10 लाख की, और यहां पे मेरे असेट्स रियलाइज है सेकंड एग्जांपल में। बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, मैं एग्जांपल बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा हूं, ये टेबल से ही आपका लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में अगर मैं बोलू तो मेरे असेट्स रियलाइज है सिर्फ 2 लाख के और लाइबिलिटी है 10 लाख की, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। यहां पर थर्ड एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल में सेम रख रहा हूं शेयर कैपिटल जैसा 9 लाख 10 लाख, और सेकंड एग्जाम्पल के लिए मैं रख रहा हूं 6 लाख और 10 लाख,
क्लियर है? जो शेयर कैपिटल का ही एग्जांपल है वो मैंने यहां पे कॉपी कर लिया। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट एग्जांपल में 9 लाख यहां लिखू, 10 लाख यहां लिखू, और सेकंड एग्जांपल में 6 लाख यहां लिखू, 10 लाख यहां लिखू, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एनीवेज आगे हम देखेंगे, ठीक है? अब मुझे यहां पर देखना है नेट अनपेड लाइबिलिटी। नेट अनपेड लाइबिलिटी तो यहां पे है 1 लाख की, यहां पे है 4 लाख की, यहां पे भी 1 लाख की, यहां पे है 8 लाख की, यहां पे 1 लाख की, यहां पे 4 लाख की, वापस यहां पे 1 लाख की, यहां पे 4 लाख की। ठीक है, आइडिया क्लियर है सबको क्या कर रहा हूं? अब कॉल अमाउंट अनपेड, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, थोड़ा सीरियस मैटर है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उनके लिए मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं मैंने क्या किया है। यहां आपको ट्रिक हो सकता है, मैंने यहां लिखा है शेयर कैपिटल कंपनी लिमिटेड में कितना पैसा पेड अप है, कितना अनपेड है। यहां गारंटी कंपनी में तो पेड अप होता ही नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा अनपेड है। ठीक है, ये चीज को समझना। फिर यहां पर कितना पेड अप है शेयर कैपिटल कंपनी अनलिमिटेड में, और कितना अनपेड है, और टोटल अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल में कुछ भी पेड अप है ही नहीं, क्योंकि शेयर कैपिटल ही नहीं था। फिर मैंने लिखा कि असेट्स कितनी रियलाइज हुई और लाइबिलिटी कितनी है। मैंने अलग अलग एग्जांपल इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको समझा सकूं। फर्स्ट एग्जांपल में 9 लाख, 10 लाख, 6 लाख और 10, सेकंड एग्जांपल में 6 लाख, 10 लाख, गारंटी कंपनी में 9 लाख, 10 लाख और रियलाइज 2 लाख और 10 लाख, शेयर कैपिटल अनलिमिटेड में 9 लाख, 10 लाख, ये यही का मैंने कॉपी किया है। फर्स्ट कॉलम का इधर कॉपी किया है 6 लाख, 10 लाख, और इधर भी मैंने फर्स्ट कॉलम का ही कॉपी किया है, सो दैट आपको डिफरेंशिएशन बोल पाओ। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने बनाया है ये अभी तक आपको समझ में आ रहा है क्या? अभी तक समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि बनाया हुआ एग्जाम्पल ही समझ में नहीं आया तो मैं आंसर क्या करूं? तो मुझे कमेंट्स में बताइए जो मैंने बनाया है ये आपको समझ में आ रहा है क्या, फटाफट बताइए, अर्जेंटली बताइए, तुरंत से भी पहले बताइए जो मैं बता रहा हूं ये समझ में आ रहा है क्या। आई होप सो सभी जितने लोग 60-70 लोग देख रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा ये मैं क्या कह रहा हूं। चलो अब अगर ये समझ में आ रहा है तो अब जो अमाउंट अनपेड है, जो अमाउंट अनपेड है, थैंक यू सो मच गाइस, ये जो अमाउंट अनपेड है अब मैं कॉल करूंगा क्योंकि मेरी लाइबिलिटी अनपेड है, तो मैं कितना अमाउंट कॉल करूंगा? देखो यहां 1 लाख ही है, और देखो यहां पे अमाउंट टोटल अनपेड कितना है, दैट इज 1,70,000 का अमाउंट अनपेड है, और लाइबिलिटी कितना पे करना है फर्स्ट एग्जांपल में, सिर्फ 1 लाख ही लाइबिलिटी पे करना है फर्स्ट एग्जांपल में। 1,70,000 अनपेड है तीनों को मिलकर, और सिर्फ 1 लाख का लाइबिलिटी पे करना है, तो मैं सिर्फ 1 लाख ही कॉल करूंगा, और 1 लाख मैं किस मैनर में कॉल करूंगा, तो ऋतिक का 1 लाख आप किस मैनर में कॉल करोगे, 20 × 1/1.7, क्योंकि 1,70,000 अनपेड है और उसमें से ऋतिक का सिर्फ 20,000 का ही डिफरेंस बचा है। उसके बाद में फरहान का आप कितना कॉल करोगे, तो भैया 50 × 1/1.7, और आप अभय से कितना कॉल करोगे, दैट इज 1,00,000 × 1.7 × 1. अब कितना अमाउंट आना चाहिए ये आप कैलकुलेट करते बैठना, पर हमको देना 1 लाख ही है भले 1,70,000 अनपेड क्यों ना हो, क्योंकि मैंने लिमिट लगा के रखा है, तो इतना ही आपको यहां पे करना पड़ेगा। 4 लाख की लाइबिलिटी है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1.7 लाख ही आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें से 20,000 ऋतिक लाएगा, जिसमें से 50,000 फरहान लाएगा, और जिसमें से 1 लाख अभय लाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जो ऊपर अनपेड की अमाउंट है वही मैंने नीचे लिख दी, और यहां अनपेड के अमाउंट यहां मैंने प्रोपोर्शनेटली लिख दी, बिकॉज यहां पे 1,70,000 पे नहीं करना है, 1,70,000 पे नहीं करना है, यहां सिर्फ 1 लाख पे करना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज को याद रखना। अब यहां पे भी 1 लाख पे करना है, यहां पे भी 1 लाख पे करना है। अब यहां पे मैं 1 लाख किस तरीके से पे करूंगा, तो यहां पे मैं 1 लाख गारंटी कंपनी है तो मैं अनपेड अमाउंट्स के हिसाब से पे करूंगा, अनपेड जो है उसके प्रोपोर्शन में पे करूंगा। तो यहां पे 1 लाख में कैसे पे करूंगा, इस कॉलम के लिए मैं लिख रहा हूं 1,00,000 × 1 लाख, जो पेमेंट का 1 लाख है, प्लस ऋतिक का शेयर 1 लाख, डिवाइडेड बाय कितना, 6 लाख। यहां 2 लाख × 1 लाख / 6 लाख, यहां 3 लाख / 6 लाख × 1 लाख, ये इस केस में हम पे करेंगे। किस केस में पे करेंगे, इस केस में, क्योंकि यहां 1 लाख ही पे करना है और टोटल अमाउंट गारंटी कंपनी में टोटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ही अनपेड है, तो उस प्रोपोर्शन में मैंने लिख दिया 1 लाख ऋतिक का, 2 लाख फरहान का और 3 लाख अभय का। यहां कितना पे करना है, 8 लाख, सेकंड एग्जाम्पल में 8 लाख पे करना है, तो हम पूरा पूरा पे कर देंगे, यहां पूरा इस एग्जाम्पल के लिए पूरा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, हम पूरा पे कर रहे हैं इस एग्जांपल के लिए। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं जरा रूलर लेके इसको ड्रॉ कर लूं, इधर उधर जा रहा है जरा। ठीक है, आई गेस आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। सो यहां पे पूरा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे करेंगे, बिकॉज गारंटी कंपनी है, सब वाइंडिंग अप पे करना था, पर 8 लाख पूरा पे नहीं करेंगे हम, 6 लाख ही पे करेंगे, 6 लाख ही पे करेंगे।
ठीक है, हम 6 लाख से यहां पे करेंगे, हम 8 लाख पूरा पे नहीं करेंगे। फिर हम जाते हैं शेयर कैपिटल कंपनी में। अब देखो शेयर कैपिटल कंपनी में यहां डेट कितना है, ये अनलिमिटेड कंपनी शेयर कैपिटल है। ये कौन सी कंपनी शेयर कैपिटल है, दैट इज अनलिमिटेड कंपनी शेयर कैपिटल। यहां 1 लाख की ही लाइबिलिटी बची है, 1 लाख की ही लाइबिलिटी बची है। तो हम ये लाइबिलिटी पे करेंगे इन अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन, इन अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन। सेम इक्वेशन यहां पे रिपीट होगा, सेम इक्वेशन रिपीट होगा। 20 ऋतिक के लिए 20 डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 1, फरहान के लिए 50 डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 1, अभय के लिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.7, ये 20 मतलब 0.20 है, हाँ, और ये 0.50 है, ये गलती मत करना, सॉरी आई एम माय मिस्टेक, 0.20, 0.50 और 1, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, और नीचे 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 1, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये हम पे करेंगे, ये 0.20 0.50 है, क्योंकि यहां हम 1 ले रहे हैं ना, 1.7 लाख ले रहे हैं, तो ये 0.50 0.20 20,000 और 50,000 के हिसाब से होगा ना, ये एकदम से आंसर मत निकालना, जस्ट वेट, हम इसके कैलकुलेशन करेंगे। अब यहां जो 4 लाख पेंडिंग है, यहां कितना पेंडिंग है, 4 लाख। कंपनी कौन सी है मुझे सब जान, अच्छा यहां तक जो बताया वो समझ में आएगा बताओ मुझे एक बार, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये हेवी होने के चांसेस है, तो मुझे बताइए ये समझ में आएगा, अभी तक जो मैंने पहले 2 कॉलम बोले वो समझ में आएगा, कि भैया ऋतिक का 20,000 देना बाकी था, यहां 1 लाख का लाइबिलिटी है तो प्रोपोर्शनेटली 20,000 का देगा, 50,000 बाकी था तो 1 लाख का लाइबिलिटी प्रोपोर्शनेटली 50 देगा, 1 लाख का लाइबिलिटी था तो 1 लाख देना बाकी है तो प्रोपोर्शनेटली 1 लाख का देगा। ये समझ में आएगा, किसी को इसमें दिक्कत है क्या मुझे प्लीज बताइए। चलो बहुत बढ़िया, ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब यहां पे मैंने अनलिमिटेड में ये दे दिया, अब आप देखो अनलिमिटेड, इसको मैं कलर चेंज करना चाहूंगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बची है 4 लाख की, पर आपको देने हैं 1.7। यहां देखो अनपेड अमाउंट कितना है, 1.7 ही है, 1,50,000 20,000, 1.7 लाख से आपको देना है, पर लाइबिलिटी कितनी है 4 लाख, तो यहां मैं पूरे 4 लाख दूंगा, यहां मैं पूरे 4 लाख पे करूंगा। कौन से प्रपोर्शन में मैं यहां पे 4 लाख पे करूंगा, तो यहां पे मैं 4 लाख इस प्रपोर्शन में पे नहीं करूंगा, यहां देखना तकलीफ ये हो जाएगी, यहां पे कैलकुलेशन बहुत कठिन है। यहां तो पहले ऋतिक 20 लाएगा, 20K लाएगा, फरहान 50K लाएगा और अभय 1 लाख लाएगा, ये तो पहले ये ला लेंगे क्योंकि इन्होंने शेयर कैपिटल कमिट किया था, ये पहले लाएंगे, प्लस इसके एडिशन में अब ये 1.7 पे हो गया, 4 लाख में से 1.7 पे हो गया, 4 लाख माइनस 1.7 पे हो गया, बचा कितना 2.3 बचा, तो अब ये 2.3 को शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, 2.3 को शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, 1:2:3 में डिवाइड करना है, तो यहां पे प्लस ऋतिक कितना पे करेगा, प्लस ऋतिक कितना पे करेगा, तो भैया ऋतिक पे करेगा 1 × 2.3/6, फरहान कितना पे करेगा, दैट इज 2 × 2.3/6, ये प्लस पे करेगा, हाँ, और अभय कितना पे करेगा, 3 × 2.3/6, इसको स्टार मार्क करना, आप किसी भी सीए इंटर के बच्चे को पूछ लो, ये कैलकुलेशन उसको समझ में ही नहीं आते। देखो जितना अनपेड था, जितना लॉजिकली सोचो, जितना अनपेड था वो मैंने अनपेड पे कर दिया, 20, 50, 1 लाख, ये अनपेड था, ये मेरे को देना ही था, मैंने दे दिया, फिर भी लाइबिलिटी 2.3 की ज्यादा है, फिर भी लाइबिलिटी 2.3 की ज्यादा है, ये तो मैं अनपेड के प्रोपोर्शन में थोड़ी ना पे करूंगा, ये तो मैं अनपेड के प्रोपोर्शन में, यहां लाइबिलिटी कम थी इसलिए अनपेड के प्रोपोर्शन में पे किया, लेकिन यहां तो लाइबिलिटी अनपेड देने के बाद भी बची है, तो ये मैं अनपेड के प्रोपोर्शन में नहीं डालूंगा, 20, 50, 1 के प्रोपोर्शन में नहीं, ये मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शन में, 1:2:3 में, जो मेरा ओरिजिनल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो है। ये समझ में आया क्या मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि ये बहुत सीवियर है, स्टार मार्क करके रखा है, इंपॉर्टेंट है, ये सीए फाइनल के बच्चों को भी हार्डली कभी समझ में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, सीए फाइनल के बच्चों को हार्डली कभी समझ में आता है, हार्डली, ठीक है। तो क्या ये समझ में आया प्लीज मुझे बताइए, कि ये वाला आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला शेयर कैपिटल वाला केस समझ में आ गया, प्लीज बताइए। चलो बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आ रहा है तो वापस एक बार बोल दूं, आप मुझे पूछोगे बाद में भी, मैं पहले ही बोल रहा हूं, जो अनपेड है वो मैंने पहले पे कर दिया, और फिर भी जो लाइबिलिटी बचा 2.3 का, वो मैंने शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। रही बात लास्ट वाला, लास्ट ये 1 लाख और 4 लाख पे एज पर एग्रीमेंट, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी शेयर कैपिटल भी नहीं है, सो पे एज पर एग्रीमेंट, इसमें शेयर कैपिटल ही नहीं था तो किस बात का पेमेंट कैसे करेंगे, कोई प्रोपोर्शन ही नहीं है, सो ये दोनों का पे एज पर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से पे किया जाएगा। क्या ये कंसेप्ट इतना बड़ा आपको समझ में आया क्या?
समझ में आया क्या लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसे एक्सप्लेन किया तो वो क्लॉज है, ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको लिमिटेड लाइबिलिटी समझ में ही नहीं आएगा। बकायदा हर एक चीज को यहां पे ताकत से क्लियर करने की कोशिश की है, हर एक चीज को, कि भैया गारंटी हुआ तो क्या, शेयर कैपिटल हुआ तो क्या, अनलिमिटेड में शेयर कैपिटल हुआ तो क्या, अनलिमिटेड में विदाउट शेयर कैपिटल हुआ तो क्या, उसमें भी असेट्स कम है तो क्या, असेट्स ज्यादा है तो क्या, लाइबिलिटी कम है तो क्या, लाइबिलिटी ज्यादा है तो क्या, प्रपोर्शन ऑफ पेमेंट्स क्या होंगे, इसका हर जवाब तुम्हें इसी चार्ट के अंदर मिल जाएगा। एक सिंगल चार्ट और बात क्लियर। कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, वीडियो को लाइक ठोकिएगा ताकत से, और ये चीज को आपको याद रखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट आपको अकाउंट, आई डाउट कि अकाउंट्स में भी इतना डीप में आपको पढ़ाए होंगे या नहीं पढ़ाए होंगे, ये अकाउंट्स का भी एक पार्ट है, लिक्विडेशन अकाउंटिंग आपको सीए इंटर में आता है, उसमें भी आपको ये सिखाया जाएगा, पर यहां मैंने आपके सभी नियरली कंसेप्चुअल तो भी क्लियर कर दिए। सो समझ में आएगा ये बताइएगा, और कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। रही बात इसको लिखने की, तो समय क्या हुआ है, 11:23 हुए हैं। एक काम कीजिएगा, आप इसके आज स्क्रीनशॉट निकालिएगा, आज का होमवर्क यह है कि आपको ये स्क्रीनशॉट्स को लिखना है, ठीक है। दिस फॉर शेयर कैपिटल, ये डायग्राम है शेयर कैपिटल का, मैं चला जाता हूं, बाद में स्क्रीनशॉट निकालना, ये आप किसी को भी पूछ लीजिए, ये किसी सीए इंटर कंपैरिजन किसी से भी कर लीजिए, इतना खतरनाक चार्ट आपको कोई दिया भी नहीं होगा। और ये कंसेप्ट यही कंप्लीट होना चाहिए, यहां अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया ना, बाद में आप इट्टी मिट्टी खाओगे सीए इंटर अकाउंट में, लिक्विडेशन अकाउंटिंग में, और फिर सीए फाइनल पे तो आप पूछो ही मत, मेरे सामने आया ही मत अगर आपको ये नहीं पता तो। क्लियर है कंसेप्ट, पहली बोल दे रहा हूं आपको। चलो स्क्रीनशॉट निकालिए, मैं साइड में हो जाता हूं, समझ में आया तो प्लीज लाइक ठोकिएगा और बताइएगा कमेंट्स में। ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट है, ले लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। कॉन्ट्रीब्यूटरीज तब पिक्चर में आते हैं जब उनका कोई लाइबिलिटी अनपेड होता है कुलदीप, तो फिलहाल कॉन्ट्रीब्यूटरीज में आप मत जाओ। कॉन्ट्रीब्यूटरीज पास शेयर होल्डर होते हैं जिनके कॉल्स अनपेड होते हैं, फिलहाल मैं उसको अज्यूम नहीं कर रहा हूं, तो हमने छोड़ दिया। थैंक यू सो मच। ये स्क्रीनशॉट हो गया, तो ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए गारंटी का। चलो बहुत बढ़िया, फिर ये टेबल का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा जूम आउट वाला एरिया दिखाता हूं मैं आपको। टेबल को अच्छे से लिखना, एक नए पेज के ऊपर लिखना जब होमवर्क में लिखोगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी अनिश का विदाउट शेयर कैपिटल में जितना लाइबिलिटी है वो स्ट्रेट अवे पे कर देना है प्रोपोर्शनेटली एज पर एग्रीमेंट, दैट्स ऑल। बाकी अनिश का और उसमें कुछ करना ही नहीं है, जो एग्रीमेंट मतलब जितना लाइबिलिटी एंड में बचा है वो उठा के स्ट्रेट अवे पे कर देना है एज पर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से। ये स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, फिर ये वाला ले लीजिए। आज आई होप सो कि सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। और एक बार सिर्फ ये टेबल को देख के समझिएगा कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया क्या। एक मिनट में रुक जाता हूं चाहिए तो, पूरा टेबल देख के समझ जाइएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
Sure. Done, everybody. मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, पब्लिक का नहीं. ठीक है, सो आई होप सो कि सबको समझ में आया होगा. लिमिटेड बाय गारंटी बनाने का फायदा है, स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहती. लिमिटेड बाय गारंटी का फायदा है, आपके कंसेप्ट में अगर दम है, कंपनी के कंसेप्ट में, स्टार्टअप में अगर दम है, तो कोई भी आपको पैसा देगा, आपको खुद के पैसे डालने की जरूरत नहीं है. ये एक फायदा है गारंटी का. पर उसमें रिस्क भी है, कि रिस्क यह है कि बचे हुए लोग आपको फंडिंग देंगे या नहीं देंगे, उसके ऊपर डाउट है. ठीक है, तो यहां हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट खत्म हो चुका है. आई होप सो कि आपको बड़े अच्छे लेवल पे समझ में आया होगा, क्योंकि इसके सिवा जिंदगी में ऑप्शन नहीं है अपने पास. ठीक है, चलो होल्ड. सो लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट खत्म हो गया. पनामा वाला एग्जाम्पल हमारा था, पर अपन ने उसको कैंसिल कर दिया, JDNMD का लिया समझने के लिए. तो आई होप सो सबको समझ में आया होगा. अब इसको क्या हो गया, ए मां शक्ति है. ओके, सो दिस इज लिमिटेड लाइबिलिटी. और लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या लिखा जाना चाहिए बोर्ड के ऊपर, बड़े अच्छे से ध्यान देना. अ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज नॉर्मली लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द कंपनी. द पर्सनल असेट ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी पेमेंट टू क्रिएटर्स. क्लियर है कॉन्सेप्ट? लिमिटेड लाइबिलिटी में पर्सनल असेट, जैसे आपने देखा हमने उतना ही पे किया जितना प्रॉमिस किया था लिमिटेड लाइबिलिटी में, उसके ऊपर हमने कुछ भी पे नहीं किया. अनलिमिटेड मतलब घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने और बच्चे के डायपर, ये सब दाव पे लग जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाला. अब लिमिटेड लाइबिलिटी के बाद अगला कंसेप्ट जो आता है, मैं उसके ऊपर जाना चाहूंगा, एंड वो है कॉमन सील. आप आपकी सिग्नेचर करते हो, जैसे आपने आपका रजिस्टर लिया होगा, एक मस्त रजिस्टर होगा आपका लिखने का. कभी बोर होने लग गया क्लास में, टीचर बहुत पका रहा है, जिंदगी झंड करके रखा है, दिमाग खराब हो चुका है, बेस्ट फ्रेंड बात नहीं कर रहा, वो पढ़ने में बहुत ध्यान दे रहा है, आपने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, ये सुनना अरे फटफट सारे, उसने दो तीन गालियां पेल दी आपको, आपका मन नहीं लग रहा. तो आप एंड में क्या करते हो जब आपका मन नहीं लगता क्लास में? आप ऑप्शन क्या रहता है क्लास में मन नहीं लगता तो आप भैया चले जाते हो. ऐसा मतलब आप रजिस्टर होते हो, रजिस्टर ऐसे खुला रहता है, रजिस्टर में पढ़ते रहते हो, जब मन नहीं लगता है सुनना, उसने हकाल दिया, टीचर ध्यान नहीं दे रहा, टीचर पका रहा है, तो एंड में आप जाते हो लास्ट पेज पे, और लास्ट पेज पे जो ऐसी चीजें लिखी होती है क्लासमेट के नोट्स में, पहले तो आप उसको देखना शुरू करते हो, फिर उसमें पेंटिंग करना शुरू करते हो, और फिर उसके अंदर सिग्नेचर मारना शुरू करते हो, ये सोच के तुम साइन की प्रैक्टिस करना शुरू करते हो कि जब मैं सीए बनूंगा, जब मैं सीए बनूंगा तो मैं किस तरीके से साइन करूंगा, ये आप तब करना शुरू करते हो. बराबर है, बोलो हाँ है ना? तो ये जो साइन करते हो, हर इंडिविजुअल ऑटोग्राफ करता है, हर इंडिविजुअल ऑटोग्राफ देता है, साइन देता है, पर कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के हाथ पैर नहीं है, कंपनी के बॉडी पार्ट्स नहीं है. ठीक है, अच्छा सोचो नालायक को, अच्छा सोचो नालायक लोग हट. सो कंपनी को तो सिग्नेचर कर नहीं सकते, तो कंपनी साइन नहीं करता, कंपनी लगाता है सील, कॉमन सील. कॉमन सील ये कंपनी का ऑथेंटिकेशन वाला मैटर है, जिस चीज के ऊपर सील लगा होगा वो कंपनी ने ऑथेंटिकेट किया है, वो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है ये माना जाएगा. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कंपनी का कॉमन सील ही कंपनी का ऑटोग्राफ होता है. पुराने जमाने में ये ऐसा कॉमन सील बनता था, वो लाख रहता था, लाख नाम का हिंदी में जिसको लाख कहते हैं, उसको गर्म करके डाला जाता था पेज के ऊपर और उसके ऊपर एम्बॉस किया जाता था. ये कॉमन सील ओल्ड थे, आजकल ये डिजिटल कॉमन सील आते हैं नए वाले, पर आजकल भी कॉमन सील ज्यादा यूज नहीं होते. आजकल एक और ट्रेंड आया है डिजिटल सिग्नेचर, तो आपको कई जगह पे कई पब्लिकेशन में मॉड्यूल में हो सकता है कॉमन सील का कंटेंट दिखे ना, बट फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग अभी भी यूज करते हैं. ह्यूमन यूजेस अ सिग्नेचर टू शो द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड टू मेंशन अ पर्सनल आइडेंटिटी. फॉर कंपनी सिग्नेचर मीन्स सील. द डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी साइंड बाय कंपनी इफ डॉक्यूमेंट बेयर्स द सील ऑफ द कंपनी. क्लियर है? नॉर्मली कॉमन सील बनाने का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो कुछ ऐसा दिखता है. इसके बीच में ये जो दिख रहा है, ये इसके बीच में आड़ा करके पेपर डालते हैं, फिर इसको प्रेस करते हैं और ये सील हो जाता है. नॉर्मली डिजिटल सील इसी तरीके से दिए जाते हैं. क्लियर है? सो कॉमन सील सिंपली आप जैसे साइन करते हो, कंपनी कॉमन सील लगाता है. अगली चीज, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. शेयर कैपिटल कंपनी में, गारंटी में तो नहीं, शेयर कैपिटल कंपनी में एक कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है कि कंपनी खुद के शेयर दूसरों को ट्रांसफर कर सकती है. जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग आप करते हो, कई सारे लोगों के डीमैट अकाउंट हो गए, कई सारे लोगों के मॉम डैड या पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया होगा. आज आप यहां बैठे बैठे, अगर आपका डीमैट अकाउंट होगा, मैं अभी यहां बैठे बैठे मेरा खुद का पोर्टफोलियो है जीरोधा के ऊपर, बहुत सारे उसके अंदर शेयर खरीद के रखे हैं, 5-10 लाख रुपए के मस्त शेयर खरीद के रखे हैं, जिसके ऊपर हम अभी रिटर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं. तो आज मैं यहां पे बैठे बैठे
इन्फोसिस के शेयर खरीद सकता हूँ, एमआरएफ के शेयर खरीद सकता हूँ, आज बैठे बैठे टाटा के शेयर खरीद सकता हूँ, उनकी ओनरशिप में शेयर कैपिटल के तौर पे ले सकता हूँ। ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं तो और क्या है? जो शेयर शेयर मार्केट में किसी और के नाम पे, वो मैं मेरे नाम पे ले रहा हूँ। दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी रिप्रेजेंट्स द शेयर ऑफ द कंपनी। सो इन के ईज ऑफ द ट्रांजेक्शन द शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ द कंपनी विथ इट्स ओनरशिप एंड इट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी इन एनी वे। इट ओनली चेंजेस द शेयर होल्डिंग पैटर्न। बस इतनी ही चीज होती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद में सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पहले तो मैं चाहूंगा इनके स्क्रीनशॉट लेकर रखो, क्योंकि आपने ये लिखा नहीं होगा, तो एक काम करो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखो। लिमिटेड लाइबिलिटी से आएगा, आपने नहीं लिखा होगा। परपेचुअल सक्सेशन लिखा था क्या? मुझे एक बार बताइए। नहीं लिखा तो परपेचुअल सक्सेशन का भी ये निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट। होल्ड, स्क्रीनशॉट के लिए समय दे दूं। लिमिटेड लाइब्रेरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिमिटेड लाइब्रेरी का स्क्रीनशॉट। इसका नहीं लेना है, ये केस अभी नहीं लेना है, आगे आएगा। कॉमन सील का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉमन सेल्स का स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद अगला आता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, ये क्लॉज हमारा रहा है, इसको हम एक बार देख रहे हैं। पार्टनरशिप में आपने देखना, पार्टनरशिप और इंडिविजुअल और कंपनी प्रोप्रेटरशिप में इसमें डिफरेंस क्या है? पार्टनरशिप में जो पार्टनर है ना, पार्टनर जो होता है ना, वही मेंबर होता है, वही शेयर होल्डर होता है, वही मैनेजमेंट होता है, वही एम्प्लॉय होता है, वही वर्कर होता है, वही प्यून होता है। प्यून मतलब प्यून नहीं होता है, नालायक लोगों, प्यून प्यून मतलब ऑफिस बॉय होता है, सभी काम उसी पार्टनर को करने पड़ते हैं। लेकिन कंपनी में ओनर अलग, डायरेक्टर अलग। आपने देखा, मैं इंफोसिस के शेयर होल्डर करके मैं इंफोसिस का शेयर होल्डर हो सकता हूं, लेकिन इंफोसिस के डायरेक्टर अलग होंगे। तो ओनर अलग, डायरेक्टर अलग। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, आज के डेट में किसी भी कंपनी में देख लो, ओनर अलग होते हैं जो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, और मैनेजमेंट अलग होता है। द कंपनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पिलर्स, तीन पिलर्स होने चाहिए, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, ऑडिटर। इन्वेस्टर इन्वेस्ट द मनी which is used by management to run the business and checked by auditor. Auditor मतलब हम लोग, chartered accountant, whether business is being run properly or not. Thus the investor need to enter. Sorry, headphone लगाया, I'm very sorry. Headphone अगर लगाया होगा मेरे को माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई, I'm very sorry. I'm very sorry. So, does the investor need to enter into day-to-day transaction of the company and or the management of the company? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। इन्वेस्टर को डे टू डे मैनेजमेंट में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर ऑलरेडी मैनेजमेंट है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। प्राइवेट कंपनी का ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो भी रिलेटिव्स में ही होता है बेटा वैष्णवी, पर ट्रांसफर तो हो ही सकता है। रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल में प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हम प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में देखेंगे। ठीक है, आई एम वेरी वेरी सॉरी रितेश, वेरी सॉरी, वो कैसे कभी कभी जोश में आ जाता हूँ, वेरी सॉरी। ठीक है, लेट्स गो। सबसे आखिरी बचा रहता है सेपरेट प्रॉपर्टी। जैसे तुम्हारे पर्सनल नाम पे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बी के गहने, बच्चे के डायपर हो सकते हैं, वैसे कंपनी के नाम पे भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने कंपनी के नाम पे नहीं हो सकते, ना ही बच्चे के डायपर हो सकते हैं, पर कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती है। जब तुम कोई ऑफिस देखते हो तो तुम बोलते हो टाटा का ऑफिस है, तुम नहीं बोलते हो रतन टाटा का ऑफिस है। जब तुम इंफोसिस का बिल्डिंग देखते हो तुम बोलते हो इंफोसिस का ऑफिस है, तुम ये नहीं बोलते हो नारायण मूर्ति का बिल्डिंग है। जब तुम एप्पल के हेडक्वार्टर्स देखते हो तुम बोलते हो एप्पल के हेडक्वार्टर्स है, स्टीव जॉब्स के नहीं है। तो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती है। कंपनी बोल रही है मैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं दूंगी, जैसे मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी वैसे प्रॉपर्टी। एज अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज टू राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन। दस, अभी भी जोर से बोल सकता है लेकिन मैं कम बोला, हाँ, दस कंपनी कैन परचेस और सेल अ प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन, डू ट्रांजेक्शन ऑन इट्स ओन,
इट्स लाइक कंपनी हैज एंटायर सेपरेट रेंज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. कंपनी का बैलेंस शीट अलग, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अलग. यह है लास्ट वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच के रखिए और मुझे प्लीज बताइए कि ये क्लॉजेस भी, ये छोटे छोटे इजी क्लॉजेस थे, ये भी आपके समझ में आया या नहीं आया. गो फॉर इट फास्ट. ये आपके सीए फाउंडेशन में भी हुए होंगे इसलिए मैंने थोड़े प्रॉपर स्पीड में निपटा दिया इसको. उस केस में डिजिटल सिग्नेचर से रितिका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट होता है. रितिका ने पूछा है कि सर जिस कंपनी में कॉमन सिग्नेचर ऑप्शनल है उसमें कैसे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर से. एक डिन मिलता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीआईसी, डीएससी मिलता है, उसमें होता है. चलो हो गया सबका. यहां कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी आपके खत्म होते हैं. पिछला भी एक स्क्रीनशॉट आई गेस प्रॉपर बाकी है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट वाला, ये भी ले लीजिए. यहां पे ओनर इन्वेस्ट करके उधर भालू जैसा पड़ा है टूरिस्ट प्लेस पे. चलो डन. यहां पे आपका खत्म होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. एक बार सभी एक्शन कर लीजिए. इनकॉर्पोरेटर एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सेल, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी. आइडिया क्लियर है सबको क्या कह रहा हूं? बहुत बढ़िया. चलो आज के लिए फिर इतना काफी करते हैं, समय भी हो चुका है. सो आज के लिए इतना काफी करते हैं. दिस ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. गुड डे. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. दिस इज दर्शन खरे साइनिंग ऑफ. टेक केयर. कोई दिक्कत हो तो कमेंट में डाल देना.